हाई गाईस माई नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो इस वीडियो में हम लोग अपना डेटा साइंस मैंटोरशिप प्रोग्राम का सेशन फोर्टी टू कवर करने वाले हैं अनफॉर्चुनेटली यह सेशन लाइव नहीं हो पाया बिकॉज uh, मैं टाइम रहते रहते कॉन्टेंट प्रिपेयर नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं आई हैव रिकॉर्डेड ऑल द कॉन्टेंट और उसको मैंने इस वीडियो में डाल रखा है सो काइंडली वॉच दिस वीडियो आई हैव फर्स्ट ऑफ ऑल कवर्ड ऑल द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर और फिर मैंने एक एक चीज़ चल के आगे कवर किए ये वीडियो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे हमारा लास्ट सेशन ख़त्म हुआ था दैट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट क्लास में किया था सो so, ये वीडियो एग्जैक्टली exactly उसी जगह से स्टार्ट होगा और वी आर गोइंग टू कवर नॉन नॉर्मल एज एन नॉन गोशन डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस वीडियो ठीक है तो अगेन सॉरी फॉर द डीले सिंस वीडियो बड़ा है इसको एडिट करने में थोड़ा टाइम लग गया बट या लेट्स स्टार्ट द वीडियो तो गाइज लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था और आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं सो so, हमने दो लेक्चर पहले शुरू किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना और हमने काफ़ी डिटेल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था फिर हमने लास्ट लेक्चर में एक बहुत स्पेसिफिक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की पढ़ाई की थी जो था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सब कुछ पढ़ा था कि उसका पीडीएफ कैसा होता है उसका सीडीएफ कैसा होता है उसमें स्क्यूनेस कैसा होता है फिर हमने एक स्पेशल टाइप का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था जिसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बोलते हैं ठीक है फिर हमने ये भी पढ़ा था कि डेटा साइंस में या फिर रियल लाइफ में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं ठीक है अब हमारा आगे का जो डिस्कशन है वो बाकी के जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो शायद हंड्रेड्स होते हैं तो हम लोग कुछ और जो इंपॉर्टेंट नॉन गौशन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं ठीक है नॉन गौशन मतलब नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस तो इस पूरी पढ़ाई को मैं दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर रहा हूँ पहले हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट कंटिन्यूस नॉन गौशन डिस्ट्रीब्यूशन और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट डिस्क्रीट नॉन गौशन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है और सब कुछ फिर भी कवर नहीं हो पाएगा तो प्लान यह है कि आगे जब भी हमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा हम उसके बारे में वहां पर पढ़ाई कर लेंगे आज के लेक्चर में हम लोग तीन बहुत फेमस नॉन गौशन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फिर हम लोग बात करेंगे लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का और फिर हम लोग बात करेंगे परेटो डिस्ट्रीब्यूशन का ये तीन बहुत फेमस और बहुत अकरिंग लाइक बहुत ज्यादा दिखाई देने वाले डिस्ट्रीब्यूशन हैं इसके अलावा भी कुछ और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ना है अपकमिंग वीक्स में जैसे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन ये सब हमें पढ़ना है अभी बट आज हम लोग इन तीन चीजों पे फोकस करने वाले हैं इसके अलावा भी हम लोग कुछ चीजें और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे लाइक like, फर्स्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि गिवन अ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अ डिस्ट्रीब्यूशन हाउ कैन वी टेल इफ इट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है और ये करने के लिए हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसको क्यू क्यू प्लॉट बोला जाता है तो ये प्लॉट हम लोग डिटेल में सीखने वाले ऑल्सो हम लोग transformations के बारे में भी आज पढ़ेंगे कि मान लो आपके पास कोई नॉन गौशन डिस्ट्रीब्यूशन है बट आपको उसको गौशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है तो फिर आप किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन uh, पढ़ेंगे जैसे कि लॉग ट्रांसफॉर्मेशन होता है रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन होता है और फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ये सारी चीजें हमें आज पढ़नी है एंड ट्रस्ट मी आज का जो लेक्चर है ये आपको आगे चल के मशीन लर्निंग में बहुत हेल्प करेगा ठीक है तो दैट्स द प्लान फॉर दिस लेट्स डिस्कस अबाउट कर्टोसिस एक टॉपिक रह गया था लास्ट लेक्चर में ठीक है kurtosis क्या होता है मैं आपको एक बार डिटेल में समझाता हूँ So, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा हुआ है एक बार इसको रीड आउट करते हैं फिर हम इसको आराम से समझेंगे सो कर्टोसिस इज द फोर्थ स्टाटिस्टिकल मोमेंट मैंने आपको बता रखा है स्टैटिस्टिक्स में मोमेंट्स होते हैं जो फर्स्ट मोमेंट होता है वो आपका मीन होता है जो सेकेंड मोमेंट होता है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जो थर्ड मोमेंट होता है वो होता है आपका स्क्यूनेस और जो फोर्थ होता है वो होता है कर्टोसिस ठीक है और भी मोमेंट्स होते हैं बट ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले पहले चार हैं तो इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड कर्टोसिस जिसका मीनिंग कर्व्ड होता है या आर्किंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल ठीक है लाइक स्क्यूड स्क्यूनेस कर्टोसिस अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ

तो चलो आई गिव यू वन एग्जाम्पल लेट से क्रिकेट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिकॉज आई आई जनरली गिव एग्जाम्पल्स अराउंड क्रिकेट आई हैव ह्यूज इंटरेस्ट इन क्रिकेट तो मेरे को थोड़ा इजिली एग्जाम्पल समझ में आता है क्रिकेट में तो मान लो हमारे पास एक बैट्समैन है ठीक है सो so, मान लो बैट्समैन इज सचिन तेंदुलकर ठीक है अब सचिन ने मान लो ये बात हो रही है टू थाउजेंड सेवन की सो so, 2007 में सचिन ने 100 मैचेस खेले ठीक है सब कुछ हाइपोथेटिकल है 100 मैचेस खेले और सचिन ने उन सारे मैचेस में मान लो 40 के एवरेज से रन बनाए मतलब पर मैच 40 रन उसने बनाए और बोला गया कि सचिन उतना अच्छा नहीं खेला तो 2008 में सचिन ने अपने टेक्निक में कुछ एडजस्टमेंट्स किए ठीक है ना कुछ एडजस्टमेंट्स किए और 2008 में भी उन्होंने 100 मैचेस ही खेले और पता चला कि इन 100 मैचेस के एंड में भी जो एवरेज था वो 40 ही था अब अगर आप सिर्फ मीन की बात करो तो मीन के हिसाब से ये जो दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस हैं आफ्टर ऑल बोथ ऑफ दीज आर डिस्ट्रीब्यूशंस राइट तो मीन के हिसाब से ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस आर एग्जैक्टली सेम बिकॉज़ यू कैन सी मतलब देखो कुछ ऐसा होगा ना मान लो ये 2008 की हम बात कर रहे हैं 2007 की बात कर रहे हैं दिस इज 2007 तो 2007 में मान लो कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा कि यहाँ पर uh, 40 के आसपास की वैल्यू है यहाँ पे मान लो 120 के आसपास की वैल्यू है, यहां पे लेट्स से जीरो के आसपास की वैल्यू समथिंग लाइक दैट कि इस रेंज में काफी सारे मैचेस में सचिन ने रन बनाए हंड्रेड के आसपास थोड़े कम मैचेस में बनाए जीरो पे भी बहुत कम मैचेस में आउट हुए राइट right? तो अगर आप सिर्फ मीन पकड़ के बात करो तो मीन के हिसाब से 2008 और 2007 में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है बिकॉज़ मीन सेम है राइट right? बट एक दूसरी कहानी अगर आपको देखनी है या एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखना है तो आप क्या कर सकते हो आप दोनों का पीडीएफ प्लॉट कर सकते हो 2007 का भी 2008 का भी तो मान लो आपने पीडीएफ प्लॉट किया और आपका पीडीएफ कुछ ऐसा आया ठीक है कुछ ऐसा आया ये है आपका 2007 और 2008 के लिए मैं कोई और कलर ले लेता हूं मान लो आ, दिस इज 2008 नाउ अगर आप ध्यान दो तो इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन का मीन तो सेम है बट यू कैन सी कि स्टैंडर्ड एविएशन थोड़ा डिफरेंट है मतलब थोड़ा इसमें सही से नहीं आ रहा मान लो कुछ ऐसा दिख रहा है स्टैंडर्ड एविएशन समथिंग लाइक दिस तो मीन सेम है लेकिन ये जो स्प्रेड है डेटा का ये डिफरेंट है तो अब इससे आपको ना एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा इसी सेम डेटा के ऊपर कि 2008 में क्या हुआ है कि आपकी ज्यादातर इनिंग्स में लाइक यू कैन से कि 2008 में सचिन हैज बीन मोर कंसिस्टेंट बिकॉज ज्यादा वैल्यूज मीन के आसपास है और जो आपका बाहर दूर की वैल्यूज है वो थोड़ी कम हो गई है तो इन्ह वे आप बोल सकते हो कि हो सकता है 2008 में सचिन ने उतनी सेंचुरीज नहीं मारी बट वो उतने ज्यादा बार जीरो पे भी आउट नहीं हुआ एंड तो ही यही फायदा होता है डेविएशन का कि आपको सेम प्रॉब्लम के ऊपर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन uh, kind of, uh, दे देता है, ठीक है अब इसी सिनेरियो को थोड़ा और अलग तरीके से देखते हैं व्हाट इफ मान लो हमारा दोनों इयर्स का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता कुछ ऐसा दिखता थिंग लाइक दिस तो अब अगर आप यहां पर नोटिस करो तो मीन अभी भी लेट्स ही है तो मीन अभी भी सेम है और जो स्प्रेड है वो भी सेम है बट इस बार क्या डिफरेंट है इस बार डिफरेंट हैन इन अ so वे से इसमें ज्यादातर बार सचिन ने बड़े रन्स बनाए और यहां पर ज्यादातर टाइम्स कम रंस बनाए बट फिर भी इवेंचुअली एवरेज सेम ही आया बट डेटा में देर इज अव तो ये काइंड ऑफ थर्ड परस्पेक्टिव आपको मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ स्क्यू राइट आई होप आपको समझ में आ रहा है नाउ आई कैन गिव यू वन मोर पर्स्पेक्टिव लेट से अब ये ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट है बट लेट से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और फिर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ठीक है अब इस केस में अगर आप देखो तो मीन अभी भी सेम है स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम है एक्चुअली ये इस ग्राफ से आपको समझ में नहीं आएगा जब हम प्रॉपरली प्लॉट करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा मीन सेम है स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम है और इस केस में स्क्यू भी सेम है स्क्यू इज ऑल्सो सेम बट स्टिल डिफरेंस कहां पर आ रहा है डिफरेंस आ रहा है आपके टेल के फैटनेस में यू कैन सी की जो पिंक वाला कर्व है इट हैज गॉट फैटर ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये बोल सकते हो कि जो पिंक वाला ग्राफ है या सचिन का जो टू थाउजेंड एट का परफॉर्मेंस है उसमें आउट लायर्स बहुत ज्यादा है दोनों साइड बेसिकली बहुत बार सचिन जीरो पे भी आउट हुआ है but at the same time, compensate करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा भी मारी है 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 और यही जो outliers का density आप बता रहे हो with the help of fatness of tails, इसी को बोला जाता ठीक तो आई नो थोड़ा मैंने लंबा आंसर दिया आपको बट जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि क्या अलग अलग perspectives आपको मिलते हैं इन अलग अलग summary stats से तो कर्टोसिस क्या करता है कि आपको टेल्डनेस का एक आ, वो बताता है इंटेंसिटी ठीक है कि आपका कोई डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज्यादा फैट टेल्ड है ठीक है फैट टेल्ड का मतलब कि आपके दूर वाली जो वैल्यूज हैं वो कितनी ज्यादा डेंस है या कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे आकर कर रही है तो अगर टेल फैट है इट मीन्स वो थोड़ा लेट से जाकर के मर्ज करेगा जीरो पे तो इट मीन्स पर टेल इवेंट्स होने का जो प्रोबेबिलिटी है that is higher than, let's say, this black वाला ठीक है तो यही होता है ठीक है है uh, उतना ज़्यादा नहीं होता लॉट ऑफ सीनारियोज बट अभी गोइंग फॉरवर्ड आई गिव यू सम्जाम्पल्स जहां पे यू वुड फाइंड बी वेरी यूजफुल ठीक है अब कर्टोसिस से रिलेटेड ना एक थोड़ा सा uh, कह सकते हो कि एक गलत फेहमी या फिर एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला हुआ है कि कर्टोसिस को कई जगह पे आप पढ़ोगे कि इट इज अ डिग्री ऑफ पीकेडनेस कि कोई कर्व कितना ऊंचा है तो ये मैं एक बार क्लैरिफाई कर देना चाहूँगा अगर आपको कोई भी किसी वीडियो में ये दिख रहा है कि कर्टोसिस इज अबाउट पीकेडनेस तो वो गलत है कर्टोसिस अबाउट टेल्डनेस यहाँ पर अगर आप इंटरप्रिटेशन में देखो विकिपीडिया आर्टिकल पे तो यहाँ पे देखो लिखा रहेगा

की बात करते हैं ठीक है द लॉजिक इज सिंपल कर्टोसिस इज द एवरेज ऑफ द स्टैंडर्डाइज डेटा रेज टू द फोर्थ पावर ये फोर्थ मोमेंट की बात हो रही है uh, जो मेन चीज मैं आपको दिखाना चाहता था वो ये है जस्ट वन सेकेंड Uh, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मेनी इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्टोसिस दैट इन्वॉल्व नोटेशन ऑफ पीकेडनेस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलत लिखा हुआ है कई जगहों पे वन इज दैट कर्टोसिस मेजर्स बोथ द पीकेडनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफ द टेल ये भी गलत है अगर कहीं पे भी ये लिखा रहे कि सिर्फ पीकेडनेस की बात होती है कर्टोसिस में गलत है अगर ये भी बोला जाए कि पीकेडनेस की भी बात होती है और हैविनेस ऑफ टेल की भी बात होती है तो वो भी गलत है कर्टोसिस का सही इंटरप्रिटेशन है टेल्डनेस मतलब आपका टेल कितना हैवी है ये कर्टोसिस बताता है तो ये बस आपको क्लियर करना था मुझे इसलिए मैंने आपको ये आर्टिकल दिखाया सो फिलहाल अभी तक के डिस्कशन के बेसिस पे अगर आपसे कोई पूछ ले कर्टोसिस क्या होता है तो एकदम सिंपल शब्दों में आपको बस ये बोलना है कि, कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेल कितना फैट है ये आपको कर्टोसिस बताता है ठीक है और टेल के फैटनेस का मतलब है द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स जितना फैटर टेल उतने ज्यादा आउटलायर्स होने का चांसेस ठीक है तो फॉर्मूला की अगर आप बात करो तो बहुत ही डरावना फॉर्मूला है दिस इज द फॉर्मूला फॉर फौर सैंपल कर्टोसिस ठीक है अगेन टू द रेस टू द पावर फोर होता है बिकॉज मैंने बोला ये फोर्थ मोमेंट ऑफ है तो इट्स ओके मतलब आपको फॉर्मूले मेरे डीप जाने की जरूरत नहीं है हमारे पास स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं पाइथन है जो कर्टोसिस झट से कैलकुलेट करके आपको दे देगा मैं आपको इसके प्रैक्टिकल यूज केसेस बताता हूँ कि किस तरह के सिनेरियोज में आप कर्टोसिस निकालना चाहोगे किसी डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक है तो सबसे जो बढ़िया यूज केस है कर्टोसिस का वो आता है फिनेंस में सो so, एक बार पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन फिनेंस दर इज अ टर्म कॉल्ड कर्टोसिस रिस्क बहुत फेमस टर्म है इट रेफर्स टू द रिस्क एसोसिएटेड विद द द पॉसिबिलिटी ऑफ 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 एक्सट्रीम आउटकम्स और फैट टेल्स इन डिस्ट्रीब्यूशन अ पर्टिकुलर असेट और पोर्टफोलियो मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाए हैं कि नहीं बट अगर आपने कभी भी म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाए होंगे तो आपको ऐसे बोला जाता है कि अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं एक होता है एक ऐसा फंड जो बहुत ही वोलाटाइल होता है वोलाटाइल होने का मतलब उसमें आप पैसे लगाओ तो काफी पैसे कमा भी सकते हो बट पैसे डुबा भी सकते हो तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कर्टोसिस uh, का सो अगर कोई एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसका प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो टेल है इफ इट इज वेरी फैट तो इसका क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि इसके प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आउटलायर्स बहुत है मतलब बहुत लोगों ने काफी पैसा कमा भी लिया और बहुत लोगों ने काफी पैसा गवा भी दिया ठीक है तो ये हमेशा किया जाता है कि जब भी आप फिनेंस में आ, किसी भी तरह के अः असेट्स की बात करते हो या पोर्टफोलियोज की बात करते हो तो वहां पे कर्टोसिस रिस्क स्टडी किया जाता है उनका ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है और उनका कर्टोसिस निकाल के देखा जाता है कि कर्टोसिस रिस्क कितना हाई है अगर रिस्क बहुत बहुत हाई है 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 तो पहले से बता दिया जाता कस्टमर्स को कि सी पे पे आप पैसा लगा रहे हो वोलेटिलिटी और आपके पैसे डूब भी सकते हैं बट एट द सेम टाइम आप पैसे कमा भी सकते हो इफ हाई कर्टोसिस इट मीन दैट देर इज अर एक्सट्रीम इवेंट्स अकरिंग इधर पॉजिटिव और नेगेटिव कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कम रहता है uh,

सिंपल एग्जांपल से समझ में आ गया कि कर्टोसिस कहाँ पे यूजफुल हो सकता है ठीक है अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसको बोला जाता है एक्सेस कर्टोसिस ठीक है एक्सेस कर्टोसिस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ सो एक्सेस कर्टोसिस इज अ मेजर ऑफ हाउ मच मोर पीकेड और फ्लैट अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सो बेसिकली ये एक रिलेटिव मेजर है जो ये बताता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन किसी गिवन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में कितना टेल्ड है या कितना फैटर या थिनर टेल रखता है ठीक है तो होता क्या है कि जनरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्टोसिस है एक्सेस uh, कर्टोसिस उसको जीरो मान लिया जाता है और बेसिकली uh, होता क्या है कि आप ऊपर वाले फॉर्मूला जो है इससे आप सैंपल कर्टोसिस निकालते हो और एक्सेस कर्टोसिस निकालने के लिए आप क्या करते हो कि आप उसमें से थ्री सब्ट्रैक्ट कर देते हो ठीक है और वही आपका एक्सेस कर्टोसिस होता है तो एक्सेस कर्टोसिस के बेसिस पे आपके पास तीन टाइप के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं सो द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड लेप्टोकर्टिक ठीक है

इसको आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो या आप बोल सकते हो कि इसका एक्सेस कर्टोसिस जीरो है तो इसके कंपैरिजन में ये जो ब्लू वाला है ना ये आपका लेप्टोकर्टिक है तो यू कैन सी नॉट ओनली ये ऊंचा है बट इसका जो टेल है इट इज फैटर इन कंपैरिजन टू दिस ब्लैक वाला थिंग अब इस ग्राफ में आपको एक चीज दिखाई देगी कि इनका मीन सेम है इनका स्टैंडर्ड डेविएशन एज इन स्प्रेड भी सेम है और इनका स्क्यूनेस भी सेम है बस डिफरेंस किस बात में आ रहा है कि आ, टेल का किसका कितना है ठीक है यही मैं ऊपर ड्रॉ नहीं कर पाया था सही से जब मैं ये वाली चीज बना रहा था तो आई वुड एक्चुअली वुड कि ये वाला मैं ड्राइंग बना पाता बट ठीक है चलो इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि लेप्टोकर्टिक क्या होता है ठीक है तो इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है बाई द वे लेप्टोकर्टिक इंडिकेट्स आउटलायर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल सी बात है एग्जाम्पल वही हो गया जो मैंने आपको भी बोला. एक ऐसा म्यूचुअल मूवमेंट्स होते हैं और उसकी वजह से अचानक से आपको बहुत नुकसान या हो सकता है. तो इसको बोला जाता है अगला होता है प्लेटिकर्टिक सो अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ नेगेटिव एक्सिस निकाला उसमें से थ्री सब्ट्रैक्ट किया ये नंबर अगर लेस देन जीरो आ गया तो इसको बोला जाता है प्लेटिकर्टिक प्लेटी मतलब ब्रॉड ये नीचे जो आपको रेड कलर वाला दिख रहा है ना ये प्लेटिकर्टिक है और यू कैन सी इसका जो फैटनेस ऑफ टेल है ये ब्लैक वाले के कंपैरिजन से कम है ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देर आर फ्यूअर एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलायर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन सो जो थोड़े बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं बैलेंस नहीं जो थोड़े स्टेबल म्यूचुअल फंड होते हैं Uh, जहां पे उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं होता प्राइस का उनको आप इस कैटेगरी में डाल सकते हो ठीक है द लास्ट वन इज मेसोकर्टिक मेसोकर्टिक बेसिकली आपका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जिसका एक्सेस कर्टोसिस इज जीरो ठीक है द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली रिकॉर्डलेस ऑफ द वैल्यूज ऑफ इट्स पैरामीटर म्यू कुछ भी हो सिग्मा कुछ भी हो इफ इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसको आप मैसो कर्टिक बोल सकते हो और इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक्सेस कर्टोसिस इज जीरो ठीक है इंडिकेटिंग दैट इट हैज सेम डिग्री ऑफ पीकेडनेस और फ्लैटनेस एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है एग्जांपल हो गया uh, एक बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड जहां पे आपको बैलेंस्ड uh, है मतलब बेसिकली uh, ना ज्यादा ना कम ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा है तो ये हो गया एक डिस्कशन अराउंड कर्टोसिस ये हमें लास्ट क्लास में ही कर लेना चाहिए था बट हो नहीं पाया बट या आई होप आपको समझ में आ गया कि कर्टोसिस क्या है और किस तरीके से वो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और स्क्यूनेस से अलग है और क्या अलग पर्सपेक्टिव लेके आता है जब आप डिस्ट्रीब्यूशंस को स्टडी कर रहे होते हो सो so ना आपसे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑनेस्टली सो क्वेश्चन ये रहता है कि हाउ टू फाइंड इफ अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल और नॉट मतलब अगर आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल है या फॉर दैट मैटर कोई डेटा सेट में कोई कॉलम है तो आप कैसे बता सकते हो कि वो डेटा जो है उस कॉलम में या उस रैंडम वेरिएबल में तो वो नॉर्मल है या नहीं ठीक है तो कभी आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके तीन चार तरीके हैं मैंने सबसे इंपॉर्टेंट तीन तरीके यहाँ पे लिख डाले सो द फर्स्ट वन इज विजुअल इंस्पेक्शन जिसका सिंपल मतलब है ग्राफ प्लॉट करके देख लो आप क्या कर सकते हो कि आप या तो एक हिस्टोग्राम बना दो या फिर आप एक डेंसिटी प्लॉट बना दो अगर हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो डेटा आपके पास है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर अगर आपको थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का डेंसिटी प्लॉट मिल रहा है तो भी आप थोड़ा बहुत तो बता सकते हो कि आपके पास जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं तो फर्स्ट हो गया विजुअल इंस्पेक्शन जो सेकेंड तरीका है ना वही हम लोग अभी डिटेल में कवर करेंगे और सेकेंड तरीका है क्यू क्यू प्लॉट सो क्यू क्यू का फुल फॉर्म होता है क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट और ये एक स्पेशल प्लॉट है जो डिस्ट्रीब्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है एंड द थर्ड टेक्निक इज स्टैटिस्टिकल टेस्ट कि आप क्या करते हो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट जैसे एंडरसन डार्लिंग टेस्ट हुआ देर आर टेस्ट एज वेल जिनको यूज करके आप पी वैल्यूज के हेल्प से फिगर आउट करते हो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है वो नॉर्मल है या नहीं ठीक है तो ये तो बस मैंने आपको बता दिया बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ एन इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बट नाउ विल फोकस मोर ऑन क्यू क्यू प्लॉट ठीक है क्यू क्यू प्लॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वेरी यूजफुल एंड यू वुड फाइंड देम इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस जब आप आगे पढ़ाई करोगे तो दैट इज़ वाई इट्स अ गुड पॉइंट कि आप क्यू क्यू प्लॉट अच्छे से समझ लो तो मैं अभी आपको क्यू क्यू प्लॉट होता क्या है कैसा दिखता है और उसको कैसे क्रिएट किया जाता है ये सिखाऊंगा। और फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि क्यू क्यू प्लॉट्स का जो आउटपुट है उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ तो चलो लेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्यू क्यू प्लॉट होता क्या है और उसको कैसे प्लॉट किया जाता है सो so, यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है अ अ प्लॉट प्लॉट नोन एज इज ग्राफिकल टूल टू असेस द सिमिलैरिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू सेट्स ऑफ डेटा ठीक है इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग वेदर अ सेट ऑफ डेटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट ठीक है और ये जो आपके स्क्रीन पर है ना ये एक टिपिकल क्यू क्यू प्लॉट है ऐसा ही दिखता है क्यू क्यू प्लॉट ठीक है तो मैं एक बार आपको डेफिनेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ सो होता है क्या है कि क्यू क्यू प्लॉट में आप बेसिकली दो सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेते हो विद से कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और आप उन दोनों की सिमिलैरिटी को कंपेयर करते हो अब इनमें से जो एक्स होता है ये आपका डेटा है या फिर आपका रैंडम वेरिएबल है और ये जो वाई है ये एक थ्योरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है थ्योरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको पहले से पता है कि इसका टाइप क्या है लेट्स से आपको पहले से पता है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अब आप क्या कर रहे हो कि अपने डेटा को इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंपेयर कर रहे हो और क्यू क्यू प्लॉट बस आपको ये बता देगा कि ये दोनों कंपेरेबल हैं या कंपेरेबल नहीं है अगर कंपेरेबल नहीं है तो हमें समझ में आ गया कि एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अगर कंपेरेबल है तो हमें समझ में आ गया कि एक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दैट्स द बेसिक फंडा आप क्या करते हो आप स्टेप बाय स्टेप काम करते हो सबसे पहला स्टेप क्या है कि यू टेक अप थ्योरेटिकल डेटा या डिस्ट्रीब्यूशन आप डेटा उठा लेते हो सो so, आप अपने लिए नॉर्मल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा आपने जनरेट कर लिया ठीक है मैं आपको भी करके दिखाऊंगा दैट इज स्टेप वन स्टेप टू में आप क्या करते हो कि आपका जो अपना डेटा है लेट्स कॉल इट एक्स एक्स कैपिटल इसको आप 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 पहले सॉर्ट करते करते हो फिर आप क्या हो फिर क्या कि आप इसके क्वांटाइल्स कैलकुलेट करते हो ठीक है लेट्स से अगर आपको हंड्रेड क्वांटाइल्स निकाल रहे हो तो बेसिकली आप परसेंटाइल्स कैलकुलेट करते हो कि हमारे डेटा का फर्स्ट परसेंटाइल क्या है सेकेंड परसेंटाइल क्या है सो सो एन एंड सो फोर्थ हंड्रेड परसेंटाइल क्या है ठीक है और फिर आप सेम काम इस थ्योरेटिकल डेटा पे भी करते हो आप इसको भी सॉर्ट करते हो और इसके भी क्वांटाइल्स कैलकुलेट करते हो लेट से हंड्रेड क्वांटाइल्स आपने कैलकुलेट किए तो अब आपके पास दोनों के ही क्वांटाइल्स आ गए आपके पास वाई के क्वांटाइल्स हैं जो कि हंड्रेड है बिकॉज हमने हंड्रेड परसेंटाइल्स निकाले और आपके पास एक्स के भी क्वांटाइल्स हैं जो कि अगेन हंड्रेड पॉइंट्स हैं तो अब आप क्या करते हो कि आप y क्वांटाइल का फर्स्ट वाला पॉइंट लेते हो और आप x क्वांटाइल का फर्स्ट वाला पॉइंट लेते हो और उसको उठा के इस ग्राफ पे प्लॉट कर देते हो फिर इसमें से सेकेंड पॉइंट लेते हो इसमें से सेकेंड पॉइंट लेते हो और उसको भी प्लॉट कर देते हो एन इस तरीके से आप सारे के सारे हंड्रेड पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हो और अगर हंड्रेड पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद अगर वो सारे पॉइंट एक सिंगल लाइन सेगमेंट पे अगर आ जाते हैं तो फिर ये प्रूव हो जाता है कि x और y दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है तो अगर y आपने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिया था तो यू कैन से कि x का भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा है बेसिक फंडा ये है कि आप एक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पहले से पता है आप उसके क्वांटाइल्स कैलकुलेट करते हो फिर आप अपना जो डेटा है एक्स आप उसके क्वांटाइल्स कैलकुलेट करते हो और दोनों क्वांटाइल्स को पकड़ के एक स्कैटर प्लॉट बनाते हो अगर उस स्कैटर प्लॉट के सारे पॉइंट्स एक सिंगल लाइन सेगमेंट पे आ रहे हैं या बहुत क्लोज हैं, जैसे कि यहां पर यू कैन सी इस एग्जांपल में काफी सारे पॉइंट्स लाइन सेगमेंट पे आ रहे हैं बट कुछ पॉइंट्स नहीं भी आ रहे हैं तो आप कह सकते हो कि सॉर्ट ऑफ नॉर्मल है परफेक्टली नॉर्मल नहीं है या ऐसा हो सकता है कि आपके पास उतने डेटा पॉइंट्स ही नहीं है मे बी आप डेटा पॉइंट्स बढ़ाओ तो शायद और ज्यादा श्योरिटी आए बट या इसी को बोला जाता है क्यू क्यू प्लॉट ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ मैं आपको एक बार क्यू क्यू प्लॉट कैसे बनाया जाता है पाइथन में वो मैं आपको दिखाता हूँ सो यहाँ पर मैंने क्या किया मैंने आयरस वाला डेटा सेट लिया है ये डेटा सेट आपको कई बार मैं दिखा चुका हूँ और मैंने उसके सेपल लेंथ वाले कॉलम के ऊपर के डी प्लॉट प्लॉट किया एंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन देख के थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है अब पता कैसे चलेगा तो मैंने क्या किया मैंने बेसिकली सेपल लेंथ के सारी वैल्यूज को निकाला और सॉर्ट कर दिया और फिर मैंने क्या किया एक लूप चलाया एक से लेके सौ तक और मैंने सारे के सारे परसेंटाइल्स कैलकुलेट किए फर्स्ट परसेंटाइल सेकंड परसेंटाइल थर्ड परसेंटाइल सो सेपल लेंथ के मैंने 100 परसेंटाइल्स कैलकुलेट किए और उसको वाई क्वांट में डाल दिया वाई क्वांट इज अ वेरिएबल ठीक है फिर मैंने क्या किया अपने लिए मैंने एक डेटा जनरेट किया जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यू कैन सी और इसका मीन इज जीरो स्टैंडर्ड डेविएशन इज वन एंड देयर आर थाउजेंड डेटा पॉइंट और अब मैंने इस नए डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फिर से लूप चलाया सौ बारी और परसेंटाइल्स कैलकुलेट किए फर्स्ट परसेंटाइल सेकंड परसेंटाइल हंड्रेड परसेंटाइल और सारे परसेंटाइल्स मैंने एक्स क्वांट में स्टोर कर दिया तो अब मेरे पास दोनों सेट ऑफ क्वांटाइल्स आ गए अब बस मुझे क्या करना है इन दोनों के बीच में स्कैटर प्लॉट प्लॉट करना है तो मैंने सीबॉन का स्कैटर प्लॉट फंक्शन को कॉल किया एक्स में डाल दिया एक्स क्वांट को वाई में डाल दिया वाई क्वांट को एंड यू कैन सी दिस इज द ग्राफ तो यू कैन सी परफेक्टली तो एक लाइन पे नहीं आ रहे सारे पॉइंट बट फिर भी सॉर्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख जाएगा अब ऑनेस्टली इतनी मेहनत आपको करनी नहीं पड़ती है सो देर इज अ लाइब्रेरी कॉल्ड स्टार्ट मॉडल उसके अंदर आपके पास डायरेक्टली क्यू क्यू प्लॉट प्लॉट करने का कोड होता है सो so, आपको कुछ नहीं करना है आपको एस एम डॉट क्यू क्यू प्लॉट को इम्पोर्ट करना है उसमें डायरेक्टली अपने कॉलम को भेज देना है सॉर्टिंग वही कर लेगा परसेंटाइल्स वही निकाल लेगा और यहाँ पे बस आपको ये बताना है कि आपको लाइन कैसी ड्रॉ करनी है ठीक है मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है सो so, अगर आप सर्च करो एस एम डॉट क्यू क्यू प्लॉट तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा इस डॉक्यूमेंटेशन में यू कैन सी कि आपके पास दीज आर द ऑप्शन फोर्टी फाइव डिग्री लाइन स्टैंडर्डाइज लाइन रिग्रेशन लाइन क्वार्टाइल फिट करने की लाइन अलग अलग ऑप्शन है जनरली फोर्टी फाइव से काम चल जाता है अदरवाइज आप चेंज करके देख सकते हो और ये क्या करेगा ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एक थियोरेटिकल नॉर्मल डेटा लेगा और उसके साथ क्यू क्यू प्लॉट प्लॉट करके आपको दे देगा सो यू कैन सी यही सेम ग्राफ हमने ऊपर यहाँ पे बनाया है यही सेम ग्राफ यहाँ पे जनरेट हो रहा है द गुड पार्ट अबाउट दिस ग्राफ इज कि ये अपने आप एक लाइन फिट करके आपको दे रहा है फोर्टी फाइव डिग्री की एंड यू कैन सी नॉट एवरी पॉइंट इज टचिंग दिस लाइन तो यू कैन नॉट से परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो या गाइस यही होता है ठीक है अब एक दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं अराउंड क्यू क्यू प्लॉट की सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे तो मैंने बिल्कुल वही बातें लिखी हैं जो हमने अभी डिस्कस किया ये आप पढ़ सकते हो बाद में पाइथन का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप क्यू क्यू प्लॉट को इंटरप्रेट कैसे करते हो अब Q -Q plot को इंटरप्रेट करना एक्चुअली इट्स इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। जस्ट कि आपको बस अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए बाकी आप इंटरप्रेट करना सीख जाओगे uh, if you, if you normal, data, तो उसका क्यू क्यू प्लॉट कुछ ऐसा दिखाई देता है थोड़ा मिस कर जाए बट इट वुड लुक लाइक दिस ठीक है इफ द डेटा इज टू पीकेड इन द मिडिल तो बीच का पॉइंट्स आपको दिखाई देगा लाइन के ऊपर बट बाकी के दोनों साइड के पॉइंट्स लाइन से डेविएट कर जाते हैं ठीक है इफ देर इज स्क्यूड डेटा तो बेसिकली जहां पर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है वहां तक वो लाइन से एसोसिएटेड रहेगा उसके बाद इट विल डेविएट ठीक है स्क्यूड डेटा में लेफ्ट स्क्यूड में ये होगा कि लेफ्ट साइड से पॉइंट्स लाइन को छोड़ेंगे राइट right स्क्यूड में स्क्यूड uh, में राइट right साइड से पॉइंट्स लाइन को छोड़ेंगे इफ यू हैव गॉट फैट टेल तो उस केस में टेल से दोनों साइड से आप लाइन को छोड़ दोगे थिन टेल्स के केस में इट विल स्टिक अराउंड बट फिर भी थोड़ा सा डेविएशन होगा ठीक है तो ये बस इमेजेस मैंने आपके सामने रख दी हैं ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे तो जस्ट गो थ्रू देम and just build some intuition this is more about intuition uh, but pata hona chahiye theek hai ab ek last question aur discuss kar lete hain around qq plots so ye doubt hota hai kuch logo ko ki qq plots sirf normal distribution hi detect kar pate hain ये सही नहीं है By definition मैंने आपको क्या बोला था कि क्यू क्यू प्लॉट दो रैंडम वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर करके बताता है right? तो वाई जो आपका आई एम सॉरी एक्स जो आपका थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कुछ भी हो सकता है ये नॉर्मल हो सकता है ये यूनिफॉर्म हो सकता है ये परेटो हो सकता है ये लॉग नॉर्मल हो सकता है कुछ भी हो सकता है राइट right? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जहां पे हम क्यूक्यू प्लॉट यूज करके डिटेक्ट करेंगे कि एक गिवन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है कि नहीं अब मैंने आपको अभी यूनिफॉर्म पढ़ाया नहीं है अभी जस्ट पढ़ाऊंगा तो यूनिफॉर्म कुछ ऐसा दिखता है इस तरीके का ठीक है तो हमारे पास इस तरह का एक डेटा है हमें ये पता करना है कि क्या ये यूनिफॉर्म है कि नहीं तो इसका भी कोड मैंने लिख रखा है शेयर का कोड सो कैन सी यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट किया विद थाउजेंड पॉइंट्स, जो जीरो से वन के बीच में सारे पॉइंट है एंड एक मैंने हिस्टोग्राम प्लॉट करके भी देखा जस्ट टू चेक की यूनिफॉर्म दिख रहा है कि नहीं तो ऑब्वियसली एकदम परफेक्ट यूनिफॉर्म तो जनरेट नहीं होगा बट यू कैन सी कि एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जैसा नजर आ रहा है ठीक है अब आपको क्या करना है कि आपको स्टार्ट्स मॉडल वाला जो आपका लाइब्रेरी है वहाँ पे आपको एक थियोरिटिकल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है एंड यू हैव टू क्रिएट दैट डिस्ट्रीब्यूशन एंड यू कैन सी यहाँ पर भी हमने जीरो और वन के रेंज में ही ये डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया और अब आपको कुछ नहीं करना है फिर से क्यू क्यू प्लॉट को कॉल करना है एक्स को पास करना है और यहाँ पे बस आपको डिस्ट्रीब्यूशन में इस बार ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन भेज देना है जो आपने अपने लिए क्रिएट किया था लास्ट टाइम हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं भेजा था क्योंकि डिफॉल्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप पास हो जाता है यहाँ पर हमने क्या किया एक्सटर्नली एक दूसरा थियोरेटिकल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बनाया और उसको यहाँ पे पास किया लाइन अभी भी हमने फोर्टी डिग्री की रखी एंड यू कैन सी जैसे ही हमने ग्राफ प्लॉट किया दिस इज द क्यू क्यू प्लॉट ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट इज ऑन द ग्राफ इट सेल्फ ठीक है ऑन द लाइन इट सेल्फ विच शोज की हमारे पास जो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म है ठीक है तो इस तरीके से आप कोई भी दो डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करने के लिए क्यू क्यू प्लॉट यूज कर सकते हो जनरली ज्यादा यूज होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए बट जो भी है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कर टू चेक द नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा Uh, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए किस तरीके से प्लॉट किया जाता है और इसका इनर मैकेनिक्स क्या है इसका आइडिया आपको होना चाहिए आई रियली होप आपको समझ में आ गया सो so, चलो गाइस लेट मी टॉक अबाउट वेरी सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शायद आपने नाम सुना होगा सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एक बार डिस्कस करते हैं

So, अगर आपके पास एक फेयर डाइस है राइट वन टू थ्री इस तरीके से तो आप जब इसको रोल करोगे तो वन आ सकता है टू आ सकता है थ्री भी आ सकता है फोर भी आ सकता है फाइव और सिक्स भी आ सकता है बट अगर आपसे कोई पूछ ले कि वन आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा तो आपको पता है वन बाय सिक्स है टू आने का क्या होगा वो भी वन बाय सिक्स है और सभी का वन बाय सिक्स है तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लो जहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप अपने सारे के सारे एक्स वैल्यूज को डाल देते हो और वाई एक्सिस लेट्स से आप प्रोबेबिलिटी को डालोगे तो सभी बार्स का हाइट सेम होगा एंड दैट दे इट वुड इक्वल टू वन बाई सिक्स राइट तो यही होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो इसके दो टाइप्स होते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसके दो टाइप्स होते हैं पहला होता है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म जो कि ये रहा जहां पर आपके पास जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है बट एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो है कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल ठीक है अगर आपका जो रैंडम वेरिएबल है इफ इट इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल देन आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन uh, बनेगा ठीक है uh, अगर आप इसको नोटेशन की बात करो तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है ठीक है एक्स इज यूनियन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ए और बी यहां पर आपके पैरामीटर्स हैं दीज आर द पैरामीटर्स जहां पे ए इज द लोअर वैल्यू एंड बी इज द हाइयर वैल्यू एज इन रेंज रेंज की बात हो रही है ना तो रेंज ए से स्टार्ट होता है बी तक जाता है इस एग्जाम्पल में ए हो जाएगा वन और बी हो जाएगा सिक्स ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा है तो एक काम करते हैं थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं कि वॉट आर सम ऑफ द सम्पल्स जहां पर आपको कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा हम लोग अभी कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट वाले डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे हैं तो कंटिन्यूस का कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ सो so जनरली क्या होता है कि अगर आप एक रेंज बना लो तो उस रेंज में से रैंडमली जब आप चीजों को निकालोगे तो फिर वो जनरली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करती है जैसे यहां पर देखो द हाइट ऑफ अ पर्सन रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हुज हाइट्स रेंज फ्रॉम फाइव पॉइंट सिक्स टू सिक्स आपने ये नहीं बोला कि किसी भी हाइट के बंदे को बुला लो तब तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया एक रेंज में ले आए जनरली तो जब आप एक रेंज में ले आते हो एक कंटिन्यूअस वेरिएबल को तो उसके अंदर से कोई भी वैल्यू को पिक करने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो एक्चुअली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है ठीक है द टाइम इट टेक्स फॉर अ मशीन टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट द प्रोडक्शन टाइम रेंजेस फ्रॉम फाइव टू टेन मिनट्स वुड फॉलो अ अंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन द डिस्टेंस दैट रैंडमली सिलेक्टेड कार ट्रेवल्स ऑन अ टैंक ऑफ गैस वेर द डिस्टेंस रेंजेस फ्रॉम तीन सौ से चार सौ द वेट ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टेड एप्पल फ्रॉम अ बास्केट ऑफ एप्पल्स टू हंड्रेड ग्राम तो जनरली जब आप रेंजेज डिफाइन कर रहे हो और उस रेंज में अगर आपका वेरिएबल 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 इज इज अ अ जो रैंडम देन आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही मिलेगा ठीक है आई नो ये इतने इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स नहीं है डोंट वरी अभी थोड़ी देर बाद में आपको मशीन लर्निंग में यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा उसके पहले एक काम करते हैं लेट्स हैव अ मैथमेटिकल स्टडी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखता है इसका इक्वेशन कैसा होता है ये सब हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो अभी आपके स्क्रीन पर जो ग्राफ्स आपको दिख रहे हैं इनमें से पहले ग्राफ के ऊपर अगर आप फोकस करो तो ये आपका पी का ग्राफ है सिंस इट इज कंटिन्यूस तो आपको पीडीएफ का ग्राफ दिखाई दे रहा है ये बहुत ही सिंपल है यू कैन सी ये रहे आपके रेंज ए और बी सो गिवन रेंज में ए से बी के बीच में आपका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो कांस्टेंट है सेम है और इसके अलावा सभी जगह पे जीरो है आई होप आपको समझ में आ रहा है ठीक है ऑल्सो अगर आप थोड़ा भी सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वैल्यू है वन बाय बी माइनस ए होना चाहिए उसका रीजन ये है कि आपका ये जो डिस्टेंस है ये बी माइनस ए है राइट right? ये डिस्टेंस बी है ये डिस्टेंस ए है तो ऑटोमेटिकली ये वाला डिस्टेंस बी माइनस ए है अब एरिया अंडर द ग्राफ आपको पता है पी डी एफ का हमेशा वन होना चाहिए तो बाय दैट लॉजिक ऑटोमेटिकली ये जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी वन डिवाइडेड बाय बी माइनस ए ठीक है तो इस गिवन रेंज में आप कोई भी एक्स उठा लो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वुड कम वन बाय बी माइनस ए और बाकी सभी जगहों पे इट वुड बी जीरो अगर आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई बी माइनस ए फॉर एवरी एक्स बिटवीन बी एंड ऑब्वियसली बी ए से बड़ा होगा जीरो फॉर अदरवाइज अदरवाइज मतलब जब भी आप ए से छोटी वैल्यू ले रहे हो मतलब जब भी x इज लेस देन a और x इज ग्रेटर देन b तो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वैल्यू इज जीरो दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ योर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अगर आप नीचे फोकस करो तो ये आपका सी डी एफ का ग्राफ है विच इज अगेन प्रिटी लॉजिकल आपको तुरंत देख के समझ में आ जाएगा कि ए से कम वाली वैल्यू पे जीरो है बी से ज्यादा वाली वैल्यू पे आपका वन है और उसके बीच में ये स्टडीली ग्रो करता है आई होप आपको समझ में आ गया सी डी एफ किस तरीके से दिखाई दे रहा है ठीक है तो बहुत सिंपल है आप क्या कर सकते हो uh, यहाँ पे मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर रखा है एंड आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का विकीपीडिया पेज जाके पढ़ो बिकॉज यहाँ पे काफ़ी डिटेल में अच्छी uh, सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है लाइक पी डी क्या होता है सी क्या होता है मीन मीडियन मोड क्या है वेरिएंस क्या है स्क्यूनेस स्क्यूनेस की बात एक बार डिस्कस कर लेते हैं सो so, स्क्यूनेस जो है वो आपका जीरो है बिकॉज जो आपका कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिक होता है किसकी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ठीक है तो ये आपको हमेशा याद रखना है अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना वो एक्चुअली उसको मैं थोड़ा हेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोलता हूँ बिकॉज जनरली छुपा हुआ रहता है बिहाइंड द सीन्स ऑपरेट करता है तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ मशीन लर्निंग के डोमेन में क्योंकि हमें मशीन लर्निंग से रिलेटेड ही डिस्कशन करने हैं तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ कि कहाँ पर आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है ठीक है तो मैंने तीन चार एग्जाम्पल्स निकाले हैं सो so, पहला जो एग्जाम्पल है अगेन uh, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग पढ़ी होगी और अगर आपने अभी मशीन लर्निंग नहीं पढ़ी तो सुन लो कोई बात नहीं फ्यूचर में हम मशीन लर्निंग एलगोरिदम्स जब पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पे याद दिला दूंगा कि दीज आर सम ऑफ द यूज केसेस जहां पे आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो या फिर यूज कर रहे हो ठीक है तो सबसे पहला है रैंडम इनिशियलाइजेशन सो मशीन लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं जहां पर आपके जो पैरामीटर्स होते हैं आ, उस एल्गोरिदम के वो एक रैंडम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करते हैं टू द करेक्ट वैल्यू जैसे कि पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क ऐसे ही काम करता है इवन के मीन्स क्लस्टरिंग हो गया uh, ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये ऐसे एग्जाम्पल एलगोरिदम स्टार्ट फ्रॉम समल्यू तो रैंडम वैल्यू में जो इनिशियलाइजेशन आप करते हो वो आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से करते हो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन मेनी मशीन लर्निंग एलगोरिदम सच एज न्यूरल नेटवर्क एंड के मीन क्लस्टरिंग द इनिशियल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स कैन है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ऑनल रिजल्ट न्यूरल नेटवर्क में अगर आपका वेट इनिशियलाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो आपके रिजल्ट भी सही नहीं आते हैं तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफन यूज टू रैंडमली इनिशियलाइज द पैरामीटर्स एज इट इंश्योर्स दैट ऑल वैल्यूज इन द रेंज है इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बींग सेलेक्टेड ठीक है वन मोर एग्जाम्पल इज सैम्पलिंग सो अगेन आपको पता होगा कि आप uh, जब अपने डेटा को ट्रेन करते हो तो आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो ट्रेन सेट टेस्ट सेट ट्रेन के ऊपर ट्रेनिंग होती है टेस्ट के ऊपर प्रोडिक्शन होता है तो ये भी जो काम होता है सैम्पलिंग का यहां पे भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन काम कर रहा होता है सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैन ऑलसो भी यूज फॉर सैम्पलिंग फॉर एक्जाम्पल इफ यू हैव अ डेटा सेट विद एन इक्वल नंबर ऑफ सैम्पल्स फ्रॉम ईच क्लास यू कैन यूज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टू रैंडमली सेलेक्ट अ सबसेट ऑफ डेटा दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द क्लासेस यस नो दोनों का डेटा है तो आप इस तरीके से सैम्पलिंग करोगे कि भाई आपके यस वाले भी पॉइंट्स आए और आपके नो वाले भी पॉइंट्स आए ताकि जब ट्रेनिंग हो तो दोनों तरह की जो क्लासेस हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए आपके सैम्पल में ठीक है तो अगेन इंटरनली जो भी फंक्शंस आप यूज करोगे वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं ठीक है बेसिकली रैंडम नंबर जनरेशन में बहुत यूज होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सूडो नंबर सूडो रैंडम नंबर जनरेटर्स जो होते हैं उसमें बहुत यूज होता है ठीक है डेटा ऑग्यूमेंटेशन भी एक टेक्निक है आ, ये आप पढ़ोगे जब आप डीप लर्निंग पढ़ोगे तो डीप लर्निंग में होता है सी और सी में वहां पर मैंने एक टॉपिक पढ़ाया भी है डेटा ऑग्यूमेंटेशन बोल के डेटा ऑग्यूमेंटेशन में आप क्या करते हो कि आपके पास जो डेटा सेट होता है वो कई बार सफिशियंट नहीं होता या सफिशियंटली लार्ज नहीं होता है टू ट्रेन अ मॉडल तो इन दैट केस वॉट यू डू इज यू टेक यू बेसिकली क्रिएट न्यू डेटा आउट ऑफ ओल्ड डेटा मान लो आपके पास ये एक इमेज है जिसमें एक डॉगी है मतलब पता नहीं है डॉगी तो नहीं लग रहा बट ठीक है ये डॉगी है तो आप इसी से ना चार इमेजेस और बना दोगे जहां पर आ, एक इमेज में ये थोड़ा सा जूम्ड होगा ये डॉगी एक में थोड़ा सा छोटा होगा एक में थोड़ा सा साइड में चला गया होगा राइट right? इसको डेटा ऑक्यूमेंटेशन बोलते हैं तो इस प्रोसेस में भी आप इंटरनली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हो टू क्रिएट दिस रैंडमनेस इन योर डेटा सेट ठीक है एंड द लास्ट वन इज हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मशीन लर्निंग में आप जब भी मॉडल को ट्रेन करते हो उसके बाद टू गेट द बेस्ट वैल्यूज फॉर योर पैरामीटर यू यूज अ टेक्निक कॉल्ड हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वहां पर भी इंटरनली आप बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पैरामीटर्स निकालने के लिए यूनिफॉर्म uh, डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हो तो लाइक इट इज़ वन ऑफ द वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्चुअली कई जगहों पे यूज होता है मशीन लर्निंग में इट्स जस्ट कि बिहाइंड द सीन्स रहता है तो उतना दिखाई नहीं देता है बट uh, यूजफुल बहुत है तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कैसा दिखता है उसका पीडीएफ कैसा है इक्वेशन कैसा है ये सब आपको पता होना चाहिए ताकि फ्यूचर में जब भी आप मशीन लर्निंग में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूज करो आप थोड़े एजुकेटेड तरीके से डिसीजन मेकिंग कर पाओ ठीक है तो आई होप आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन द कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया नेक्स्ट uh, लेक्चर में विल आल्सो डिस्कस डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सो so गाइस जो नेक्स्ट कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रस्ट मी ट्रस्टनी आई से ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत कॉमनली दिखाई देगा वाइल बिल्डिंग इंटरनेट एप्लीकेशंस समहाउ इंटरनेट एप्लीकेशन्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी कॉमन है और जब भी आप किसी इंटरनेट एप्लीकेशन कंपनी के ऊपर इस तरह के एप्लीकेशन बनाओगे यू वुड फाइंड कि आपको कहीं ना कहीं पे ये डिस्ट्रीब्यूशन दिख ही जाएगा ठीक है क्यों मैं आपको समझाता हूँ सो so, होता क्या है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं सो द डेफिनेशन इज इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स अ अ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज हैवी टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल हुज लॉगरिद इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखने की क्या है कि इट इज अ हैवी टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट इज राइट क्यूट इट इज राइट क्यूट मतलब इस जगह पे आउट लायर्स हैं ठीक है बट सारे के सारे राइट क्यूट डिस्ट्रीब्यूशंस को आप लॉग नॉर्मल नहीं बोल सकते आप सिर्फ उन्ही डिस्ट्रीब्यूशंस को लॉग नॉर्मल बोल सकते हो जिनका लॉग लेने पर आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन मिले वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ये बात समझना बहुत सिंपल सी बात है कि इफ एक्स इज लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन लॉग ऑफ एक्स वुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है अगर मान लो आपके पास एक कॉलम है मान लो एज बोल के कॉलम है जहां पे आपके पास अलग अलग वैल्यूज हैं इस तरीके से और ये अगर लॉग नॉर्मली है तो आप जैसे ही इन सारी वैल्यूज का नेचुरल लॉग लेने लग जाओगे तो आपको नई वैल्यूज मिलेंगी इन नई वैल्यूज का जब आप पीडीएफ प्लॉट करोगे वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ठीक है तो सारे के सारे राइट क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट लॉग नॉर्मल ओनली दो राइट क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आर लॉग नॉर्मल जिनका ूटेड आई होप आपको समझ में आ रहा है सो यू कैन सी दिस इज दी डी एफ मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिए हुए सो so, यहाँ पर भी आपके दो ही पैरामीटर्स होते हैं इनफैक्ट इट इज वेरी सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी आपके म्यू और सिगमा यही दोनों पैरामीटर्स होते हैं यू कैन सी देर आर थ्री डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन और तीनों का ही मीन फिलहाल जीरो है यू कैन सी मीन इज़ जीरो और अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन है ठीक है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है ये स्प्रेड आपका और इंक्रीज कर रहा है ठीक है आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है तो एक बार डिस्कस करते हैं कि क्यों और कहां पर आपको लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा uh, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये डायरेक्टली विकीपीडिया से उठाया मैंने द लेंथ ऑफ कमेंट्स पोस्टेड इन इंटरनेट डिस्कशन फोरम्स फॉलोज अ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वेबसाइट्स जो भी अपनी होती हैं इंस्टाग्राम हो गया अब इंस्टाग्राम पे जो लोग कमेंट्स लिखते हैं रेडिट हो गया या फिर फेसबुक भी हो गया ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे या यूट्यूब यूट्यूब को जैसे भूल गए इन सारी जगहों पे लोग जो कमेंट्स लिखते हैं अगर आप उन कमेंट्स में जो नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ मान लो आपने एक वीडियो पकड़ा बहुत फेमस वीडियो यूट्यूब पे मान लो उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज हैं और आपने उसके हर कमेंट को उठाया कमेंट वन कमेंट टू कमेंट थ्री और हर कमेंट में कितने वर्ड्स हैं ये लिखा और फिर आपने इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन बनाया तो ये जनरली लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड इट इज एक्चुअली लॉजिकल कि बहुत ज्यादा लोग कम वाली वैल्यूज के पास रहते हैं और बहुत कम लोग ज्यादा वाली वैल्यूज के पास रहते हैं तो इंटरनेट कंपनीज जितनी भी हैं स्पेशली सोशल मीडिया टाइप की जो कंपनीज हैं वहां पर आपको लॉग नॉर्मल काफी देखने को मिलता है ठीक है यहां पर भी देखो यूजर्स ड्वेल टाइम ऑन ऑनलाइन आर्टिकल्स फॉलोज अ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मान लो कि कोई एक ब्लॉग है तो उस ब्लॉग पे कोई कितना टाइम स्पेंड कर रहा है ये भी लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है बहुत सारे लोग बहुत कम टाइम में निकल जाएंगे बट फिर कुछ लोग पूरा एंड तक रहेंगे वहां पे नीचे कमेंट्स लिखेंगे दूसरों के कमेंट्स पढ़ेंगे तो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लॉग नॉर्मल एक और एग्जांपल देखो द लेंथ ऑफ चेस गेम्स टू फॉलो अ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बहुत सारे गेम्स होंगे जो झट से खत्म हो जाएंगे बट फिर कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे चलते हैं और चलते ही चले जाते हैं तो दैट इज वन मोर एग्जाम्पल इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो देर इज एविडेंस आपको पता होगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कम कमाते हैं, राइट? और फिर बहुत थोड़े लोग हैं जो बहुत ज्यादा कमाते हैं राइट तो ये भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये लॉग नॉर्मल है तो बेसिक डेफिनेशन में दो ही चीजें आपको याद रखनी है पहला राइट right स्क्यूड होता है डेटा दूसरा जब आप अपने रैंडम वेरिएबल का लॉग कैलकुलेट करते हो तो उन लॉग वैल्यूज से जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यही डेफिनेशन है आपका लॉग नॉर्मल का ठीक है कैसे डिनोट किया जाता है आ, इसको डिनोट करने के लिए आप पूरा लॉग नॉर्मल वर्ड लिखते हो और आप म्यू और सिग्मा से सेग्निफाई करते हो और कंडीशन ये है कि लॉग ऑफ एक्स इज नॉर्मल विथ अ डिफरेंट म्यू एंड डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियसली जब आप ट्रांसफॉर्म कर दोगे लॉग लगा दोगे तो ये म्यू और सिग्मा चेंज हो जाता है ठीक है अगर आप पी डी एफ इक्वेशन की बात करो तो इसका पी डी एफ इक्वेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी सिमिलर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको लिख के बता रहा हूं और अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा इट इज दिस टू पावर माइनस लॉन एस एक्स म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू सिग्मा स्क्वायर और यहां पर एक एडिशनल एक्स होता है तो बेसिकली यहां पे जो एक्स था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसके बदले लॉग ऑफ एक्स आ गया और यहां पर एक एडिशनल एक्स आ गया जो कि बेसिकली वन बाय एक्स लॉग ट्रांसफॉर्मेशन की, की वजह से आया तो इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप फॉर ऑल प्रैक्टिकल इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चचेरा भाई बोल सकते हो ठीक है सीडीएफ की अगर आप बात करो तो सीडीएफ भी बहुत ही सिमिलर है नॉर्मल uh, डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा ही दिखता है यू कैन सी दिस इज द मीन और जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ाते हो आप दूर चले जाते हो मीन वाले वर्टिकल लाइन से दूर जाने लगते हो एंड अगेन दिस बिहेवियर इज वेरी वेरी सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है सो आई वुड रिकमेंड एक बार आप लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी विकीपीडिया आर्टिकल चेकआउट करो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा वॉट आर द पैरामीटर्स पी डी एफ का इक्वेशन मिल जाएगा सी डी एफ का भी इक्वेशन मिल जाएगा मीन मीडियन मोड का इक्वेशन मिल जाएगा वेरियंस का स्क्यूनेस का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा स्क्यूनेस से फिर से मुझे याद आया कि दिस इज स्क्यूड, ठीक है ये सिमेट्रिक नहीं होता ये डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड ठीक है तो इसमें आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन uh, मिलेंगे कहाँ कहाँ पर आप यूज कर पाते हो लॉग नॉर्मल या कहाँ कहाँ पे नेचुरली दिखाई देता है ठीक है सो यू कैन सी ह्यूमन बिहेवियर मैंने यहीं से वो एग्जाम्पल्स लिए थे बायोलॉजी एंड मेडिसिन में भी आपको बहुत सारी जगहों पे दिख जाएगा केमिस्ट्री हाइड्रोलॉजी इट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसलिए इसको इतना ज़्यादा स्टडी किया जाता है बिकॉज इसका क्लोजनेस बहुत है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ठीक है लास्टली uh, ये एक इंटरव्यू पूछ, क्वेश्चन पूछा जाता है uh, कभी कभी कि हाउ यू चेक इफ रैंडम वेरिएबल इज लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बहुत सिंपल है अगर आपके पास एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है X, और आपको ये प्रूव करना है कि ये लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप क्या करोगे सबसे पहले इसका लॉग ले लोगे जैसे ही लॉग लोगे तो इसको नॉर्मल बन जाना चाहिए और कैसे चेक करोगे कि नॉर्मल है कि नहीं बहुत सिंपल है अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्यू क्यू प्लॉट बनाना सिखाया था आप ये जो ट्रांसफॉर्म्ड एक्स है लेट्स कॉल इट वाई आप इसके ऊपर क्यू क्यू प्लॉट बनाओ अगर आपका जो ग्राफ है वो अगर एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं सारे पॉइंट्स दिस प्रूव्स की वाई इज नॉर्मल इफ वाई इज नॉर्मल दिस प्रूव्स दैट एक्स इज लॉग नॉर्मल ठीक है तो दिस इज लाइक वेरी वेरी सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन और इसका बेस्ट पार्ट यही है कि वंस यू नो इट इज लॉग नॉर्मल यू कैन ईजिली ट्रांसफॉर्म इट इन टू नॉर्मल एंड देन यू कैन डू ऑल थिंग्स जो आप किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कर सकते हो ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया सो so गाइज हमारा जो नेक्स्ट कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो है परेटो डिस्ट्रीब्यूशन अगेन एक बहुत फेमस डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको बहुत देखने को मिलेगा फाइनेंशियल डेटा में

Is basically a special case of power law. Power law kya bar In mathematics, a power law is a functional relationship between two variables where one variable is proportional to the power of other. Specifically, if y and x are two variables related by power law, then the relationship can be written as y is equal to some constant k times x to the power alpha. इसको बोला जाता है पावर लॉ अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि पावर लॉ का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है एक्स वाई अब एक बहुत फेमस रूल है जो पावर लॉ फॉलो करता है इसको 80 20 रूल बोलते हैं सो so, 80 20 रूल क्या बोलता है कि व्हेनेवर समथिंग इज फॉलोइंग पावर लॉ तो ओनली 20% ऑफ दैट थिंग विल व एटी परसेंट ऑफ ऑक्युपेंसी या रिजल्ट बोल सकते हो जैसे इस ग्राफ का अगर आप एरिया का बात करो तो यू कैन सी बस इतने ही इंटरवल में जो एक्स है उन्ही लोगों का एरिया अंडर द करव एटी परसेंट ऑफ द एंटायर एरिया है बाकी का ये जो है येलो वाला ये सिर्फ ट्वेंटी परसेंट है तो दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ पावर लॉ पावर लॉ यही बोलता है कि ऑफ़ द थिंग विल कंट्रोल द द द ऑफ़ इन दिस केस एरिया बट इसको मैं और आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ uh, कि बाकी जगहों पे किस तरीके से ये रूल अप्लाई होता है सो कमिंग बैक टू परेटो डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर थोड़ा सा पढ़ते हैं टो ओरिजिनली यूज दिस डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्क्राइब द एलोकेशन ऑफ वेल्थ अमंग टू शो राधर वेल्थ द वे दैट अ लार्जर पोर्शन ऑफ द वेल्थ ऑफ एनी सोसाइटी इज ओन्ड बाय अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ द पीपल इन दोसायटी ठीक है सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है uh, कि Pareto प्रिंसिपल या फिर 80 20 रूल क्या बोलता है कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल्स 80% ऑफ द वेल्थ यही मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा था बस वही था कि मेरे पास कोई क्वांटिटी नहीं था बस एरिया ऑफ द कर्व था तो अगर आप प्योरली इनकम और वेल्थ की बात करो तो 20% ऑफ एक्स एज इन 20% ऑफ द इंडिविजुअल्स विल हैव 80% ऑफ एंटायर वेल्थ और ये शायद आपने सुना भी होगा कि पूरे दुनिया में जितना भी पैसा है उसका एटी परसेंट परसेंट लोगों के पास है और जो बाकी का ट्वेंटी परसेंट पैसा है वो बाकी के 80 परसेंट लोगों के पास है ठीक है तो यही होता है परेटो प्रिंसिपल या फिर एटी ट्वेंटी रूल और ये किस चीज पे बेस्ड है ये पावर लॉ पे बेस्ड है ठीक है तो अभी तक हमें इतना समझ आया कि परेटो डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज बेस्ड ऑन अ मैथमेटिकल लॉ कॉल्ड पावर लॉ और पावर uh, लॉ में बेसिकली आपका एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की पावर से रिलेटेड होता है जैसे कि ये इक्वेशन और विलफ्रेड uh, परेटो ने ये परेटो डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया था या इन्वेंट किया था या फाइंड आउट किया था मोस्टली वाइल स्टडिंग द फाइनेंशियल डेटा और देन ही गेव द एटी ट्वेंटी रूल विच डिस्क्राइब्स दिस थिंग ठीक है ऑल दो ये ट्वेंटी 80, रूल 80 हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता आपके परेटो डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं भी आपको बताता हूं उसके लिए काम करते हैं पहले एक बार देखते हैं कि परेटो डिस्ट्रीब्यूशन का जो पी डी एफ होता है वो कैसा दिखता है ठीक है तो यू कैन सी दिस इज दी डी एफ ऑफ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो परेटो डिस्ट्रीब्यूशन होता है Uh, उसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है ठीक है uh, जो पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है एल्फा ठीक है मैं आपको समझाता हूँ एल्फा क्या है सो so, अगर आप एल्फा की बात करो जैसे कि ये ग्राफ देखो इस ग्राफ में हमारे पास तीन अलग पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन हैं ग्रीन वन ब्लू वन एंड रेड वन एंड ये एक्स है और वाई पे आपका प्रोबेबिलिटी uh, डेंसिटी है ठीक है तो यहां पर अल्फा वैल्यूज दी हुई हैं, सो so, जैसे कि अगर आप देखो रेड वाला तो रेड वाले का अल्फा वैल्यू इज थ्री तो जब भी आपका अल्फा वैल्यू हाई होगा तो आप बेसिकली आपका वाई एक्सिस पे हाइट ज्यादा होगा जब ब्लू है तो अल्फा टू है थोड़ा नीचे है और अल्फा वन के लिए और नीचे ठीक है अब एक चीज देखना कि आपका अल्फा वैल्यू जितना ज्यादा है तो आपका जो टेल होगा वो उतना थिन होगा और अल्फा वैल्यू जितना कम होगा आपका टेल उतना फैटर होगा ठीक है आप ऐसे समझो कि जो वेरिएशन है वो अल्फा इक्वल टू वन में कम है ठीक है मतलब यहां पे पैसा कम है तो यहां पे ऑटोमेटिकली पैसा बढ़ जाएगा बट अगर यहां पर ही बहुत ज्यादा पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली इस जगह पे पैसा रिड्यूस हो जाएगा ठीक है यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी कि अगर आप एल्फा को इंफिनिटी कर देते हो तो फिर आपको ये ब्लैक लाइन मिलती है ये आपका परेटो कर्व है परेटो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका कोई टेल है ही नहीं ये सिर्फ एक सिंगल वर्टिकल लाइन है पैरल टू वाई एक्सिस विच कॉरस्पो टू एल्फा इक्वल टू इंफिनिटी देर इज नो सच एरिया फॉर दिस कर्व, ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा है ऑल्सो ये जो कर्व है ये स्क्यूड है आई गेस आपको ये तो दिखाई दे ही रहा होगा कि दिस इज स्क्यूड जस्ट लाइक लॉग नॉर्मल द ओनली डिफरेंस लॉग नॉर्मल कुछ ऐसा होता है ये सीधा ऐसे शुरू हो रहा है तो ये जो पॉइंट है जहां से ये ग्राफ शुरू होता है और एक्स एक्सिस पे जहाँ पे मिलता है इसको एक्स एम बोला जाता है या एक्स मिनिमम बोला जाता है तो यहाँ पे जो एम है ये जो वन है इट रिप्रेजेंट एक्स एम या मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है तो एल्फा का जो मतलब जो आपका वाई है वो मैक्सिमम होगा एट Xm ये आपको ध्यान रखना है ठीक है तो बेसिक फंडा ये है कि एल्फा अगर ज्यादा होगा तो एक्स एम पे जो पीक है वो उतना हाईर होगा बट जो आपका टेल है वो थिनर होगा बट अगर आपका एल्फा रिड्यूस होता है तो आपका पीक भी रिड्यूस हो जाएगा बट आपका जो थिन है आपका जो टेल है इट विल गेट फैटर ठीक है ये आपको हमेशा याद रखना है अबाउट परे डिस्ट्रीब्यूशन Uh, अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स uh, देखना चाहो तो एग्जाम्पल्स में आपका एक तो ये एग्जाम्पल आ गया ह्यूमन सेटलमेंट सो बेसिकली एक सिटी के अंदर जो घर बसते हैं तो बहुत सारे घर बहुत छोटे एरियाज में बस जाते हैं और फिर कुछ 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 दूर दराज में घर बसते हैं तो बेसिकली ट्वेंटी परसेंट ऑफ द एरिया विल कंटेन एट्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन नॉट एक्टली बट यू कैन अंडरस्टैंड की मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यह पर उसमें मेजर चंक जो होता है एंटायर जी बी एक्चुअली एट्टी परसेंट ऑफ द एंटायर जी बी कम्स फ्रॉम लेट्स ए ट्वेंटी परसेंट ऑफ फाइल्स और रेस्ट ट्वेंटी परसेंट जी बी कहा से आ रहा है बाकी की एट्टी परसेंट फाइल्स है बेसिकली बहुत सारी स्मॉलर फाइल्स है और कुछ लार्जर फाइल्स है ठीक है अब ये याद रखना ये एट्टी और ट्वेंटी में आपको बस परेटो प्रिंसिपल के हिसाब से बोल दे रहा हूँ हमेशा ये ट्रू नहीं होता इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द एल्फा वैल्यू तो अगर आप विकीपीडिया पेज पे जाओगे तो यू वुड एक्चुअली सी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एटी ट्वेंटी रूल हमेशा एप्लीकेबल नहीं है ये जनरली इक्वल टू वन पॉइंट वन सिक्स के लिए एप्लीकेबल होता है तो अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एल्फाइं है तो आप प्रिसाइजली बोल सकते हो ये ट्वेंटी परसेंट वाला अदरवाइज ये वेरी करता है बट रफली यू गेट द आइडिया ठीक है तो एक बार आई वुड रिकमेंड कि आप जाओ और एक बार स्टडी करो परेटो प्रिंसिपल के बारे में परेटो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बाय द वे दिस इज द पीडीएफ आईल राइट इट डाउन सो दी डी एफ इक्वेशन इज एक्स एम जस्ट वन सेकेंड इसको सही से लिख लेते हैं सो so आपका जो पी डी एफ है उसका फॉर्मूला होता है एल्फा टाइम्स एक्सएम टू दावर एल्फा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है uh, कहा गया एल्फा मल्टीप्लाइड बाय एक्स एम मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स टू दावर एल्फा डिवाइडेड बाई एल्फा प्लस दिस इज योर पीडीएफ इसको आप वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो ठीक है अगर आप सी डी की बात करो तो दिस इज द डी एफ यू कैन सी सी डी में जैसे जैसे आपका अल्फा रिड्यूस हो रहा है उतना ज्यादा आपको टाइम लग रहा है वन तक रीच करने मैन इट इज लॉजिकल राइट आप जैसे ही बोल रहे हो कि अल्फा का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है तो आपका जो डिस्पैरिटी था जो डिफरेंस था रिच और पुअर पीपल में वो कम हो रहा है तो फिर ऑटोमेटिकली इट वुड टेक मोर टाइम टू तो रीच वन वेर एज जैसे जैसे अल्फा बढ़ रहा है यू कैन सी उतनी झट से आप वन पे पहुंच रहे हो मतलब बहुत कम इंडिविजुअल्स का पैसा मिला के बहुत सारा पैसा हो जा रहा है और जब अल्फा इन्फिनिटी है तब तो फिर एक ही पॉइंट पे सीधे आप हंड्रेड एज इन वन पे पहुंच जा रहे हो ठीक है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग uh, है ये पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन एंड द बेस्ट पार्ट इज की काफी सारे रियल लाइफ सीनारियोज में आपको देखने को मिलता है तो यू हैव टू बी केयरफुल थोड़ा स्टडी कर लेना स्क्यूनेस की बात करो तो इट इज स्क्यूड फॉर श्योर वो तो दिख ही रहा है स्क्यूनेस कितना है अगर आपको देखना है तो ये एक डिफिकल्ट सा फॉर्मूला है ऑब्वियसली uh, आपको निकालने की जरूरत नहीं है आप

ये इक्वेशन है जो अभी मैंने ऊपर लिखा वाई इज इक्वल टू एल्फा टाइम्स एक्स एम एल्फा डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर एल्फा प्लस वन ये जो इक्वेशन है आप क्या करते हो बेसिकली आपका ये पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है राइट दिस इज योर एक्स दिस इज योर वाई राइट तो व्हाट यू डू इस एक्स कि सारी वैल्यूज़ का लॉग निकाल लेते हो और फिर आप वाई कैलकुलेट करते हो और उसका भी लॉग निकाल लेते हो और लॉग ऑफ एक्स और लॉग ऑफ वाई के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो और अगर वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है तो दिस प्रूफ्स कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन इज पर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है मी शो यू ये मैंने कोड कर रखा है सो यू कैन सी यहां पे मैंने क्या किया है? कि इक्वल टू थ्री और एक्स मिनिमम uh, के एक्स uh, वैल्यूज और इन थाउजेंड वैल्यूज को उठा करके मैंने वाई में डाल दिया और वाई का टाइम्स एक्स एम रेस टू दावर एल्फा एक्स रेस टू दावर एल्फा प्लस वन ठीक है ये मैंने कैलकुलेट कर लिया तो बेसिकली इससे मुझे लेट मी शो यू वन बाय वन इसको अगर मैं कट करूं और इसको यहाँ पे पेस्ट करूं तो यहां पर व्हाट आई कैन डू इज आई कैन शो यू पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई कैन सी दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है इज वेरी हाई और फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक और प्लॉट बनाया जहां पर लॉग लिया वाई का भी लॉग लिया और दोनों को प्लॉट कर दिया एंड यू कैन सी सिंस वो परेटो डिस्ट्रीब्यूशन था यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस विच सिग्निफाइज की आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाई में आई सॉरी एक्स में इट uh, फॉलोज परेटो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है एंड द सेकेंड वे इज टू यूज क्यू क्यू प्लॉट मैंने आपको बताया था क्यू क्यू प्लॉट दो प्लॉट को कंपेयर करने के काम आता है दो डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करने के काम आता है एक्स और वाई तो आप पहले से एक एक्स ले लो जो परेटो हो आपको पता हो और एक दूसरे को आप पकड़ के उसके साथ कंपेयर कर सकते हो अगर कंपेयर हुआ तो आपको पता है आपके सारे के सारे पॉइंट्स एक सिंगल लाइन पे आ जाएंगे या सिमिलर दिखाई देंगे तो यू कैन सी मैंने फिर से क्या किया यहाँ पर आई अ अ रैंडम डेटा फ्रॉम जनरेटेडो डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग स्टार्ट डॉट परेटो डॉट आर वी एस फंक्शन ये इसका हिस्टोग्राम है यू कैन सी शुरू में बहुत सारा डेटा है और धीरे धीरे बहुत कम हो गया और फिर मैंने यहाँ पर आई फिटेड अ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे आई डिस्ट्रीब्यूशन और यू कैन सी मैंने एस एम डॉट क्यू क्यू प्लॉट में डाला एक्स को और मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में डाला, को, और 45 का डाला uh, में में कि के कुछ पॉइंट्स आपके थोड़े से uh, बाहर चले जाते हैं बट अगेन इस तरह का भी कुछ ग्राफ आ रहा है तो रफली यू कैन सी कि द डिस्ट्रीब्यूशन दैट यू पारेटो ठीक है तो इट दिस पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन आई होप आपको समझ में आ गया पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और कैसे काम करता है और उसका यूज केस क्या है तो गाइज अभी तक हमने कुछ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखे हैं और अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अभी भी कुछ और हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखेंगे फ्यूचर में बट वो आगे के वीडियोज में होगा अभी तक के लिए आई गेस इतना काफ़ी है तो आई वो सही कि एक क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसा कि मैंने आपको बोला है कि अगर आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तब तो बहुत हेल्प हो जाता है कोई भी काम करने में बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सो वेल स्टडीड कि इसके बारे में हमें सब कुछ पता है बट द प्रॉब्लम इज कि जो रियल वर्ल्ड डेटा आपको मिलेगा मशीन लर्निंग में वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा इट कुड बी ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ शेप परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा कुछ और टाइप का हो सकता है तो इस तरह के में आपको ये आना चाहिए कि आप अपने नॉर्मल जैसे दिखने वाले डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो तो इसलिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे सो ट्रांसफॉर्मेशन आर नथिंग बट मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म्स जहाँ पे आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा करके अपने डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो ठीक है तो uh, देरा सर्टेन जो हमें पढ़ने हैं uh, हमें दो ट्रांसफॉर्म्स पढ़ने हैं एक है लॉग ट्रांसफॉर्म जो लॉग नॉर्मल टाइप के डेटा को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करता है और दूसरा हमें पढ़ना है बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्म जो थोड़ा जनरल है जो अलग अलग टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर पाता है ठीक है तो ये दो चीज़ें हमें पढ़नी है द गुड पार्ट इज कि इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ उन दोनों वीडियोस को यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ द ओनली प्रॉब्लम इन अ प्रॉब्लम कि वहां पर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करके ये प्रूव करने की कोशिश की है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होने के बाद रिजल्ट्स इम्प्रूव कर जाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे मशीन लर्निंग यूज़ हुआ है बट आपको घबराना नहीं है uh, आपको बस जो कोर आइडिया है वो समझना है गोइंग फॉरवर्ड जब हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ेंगे आपको बाकी सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो किसी दूसरे टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं एंड दीज आर द टू मेजर ट्रांसफॉर्म्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न सो गाइज हम लोग फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और फीचर इंजीनियरिंग में हम लोग लाइक like, आपने देखा था कि मल्टीपल चीजें होती हैं हम जो कर रहे हैं वो है फीचर मतलब अभी तक हम लोग फीचर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं मतलब आप अपने कॉलम्स में अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो राइट आप उनको इनकोड कर रहे हो अगर आपके पास कैटेगोरिकल डेटा है आप मिसिंग वैल्यूज फिल कर रहे हो आप स्केल कर रहे हो राइट आज हम लोग एक नई चीज सीखेंगे एंड दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है अगर आपको एकदम सिंपल टर्म्स में बताऊं तो द आइडिया इज वेरी सिंपल कि आप अपने कॉलम्स के ऊपर जो आपके पास डेटा है उसके कॉलम्स के ऊपर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इनटू समथिंग एल्स। अब अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं बट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो होगा लॉग ट्रांसफॉर्म और रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्म और पावर ट्रांसफॉर्म जिसमें हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे और इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म्स होते हैं जैसे कि जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे वन ऑफ देम बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्म बहुत फेमस है ये और सेकेंड यू जॉनसन ट्रांसफॉर्म ठीक है सो द आइडिया इज वेरी सिंपल कि हमारे पास कुछ डेटा होगा उस डेटा के ऊपर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे एंड वी विल सी

अगर आप कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो और वो कुछ ऐसा है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन राइट लाइक दिस इज नॉट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दिस इज द पीडीएफ राइट मतलब हर नंबर का लाइक वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी है और एक्स एक्सिस पे वो नंबर है सेवन होने का प्रोबेबिलिटी कितना है इस डिस्ट्रीब्यूशन में टेन होने का प्रोबेबिलिटी कितना है इस डिस्ट्रीब्यूशन में ठीक है तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अब जनरली आपको जो डेटा मिलेगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो इन सारे transformations का एंड गोल इज कि आपके डेटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है क्या फायदा होता है तो एक बात जान लो स्टैटिस्टिक्स जो कि आप बोल सकते हो मशीन लर्निंग का मदर फील्ड है उसमें जब भी कोई स्टैटिस्टिशियन काम करता है कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे काम कर रहा है अगर उसको कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाता है तो वो खुश हो जाता है नॉर्मल कि अच्छा अब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं राइट क्यों है इतना इंपॉर्टेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अब वो डिपेंड करता है आप किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो इट्स जस्ट की उसके आसपास कैल्कुलेशन ईजी हो जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजी हो जाता है और अगर आप मशीन लर्निंग का बात करो स्पेसिफिकली तो मशीन लर्निंग में जो आपके स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस तरह के एल्गोरिदम्स में आप ये एजम्स लेके चलते हो कि आपके पास जो डेटा है वो नॉर्मल है अगर नहीं है तो आप उसको बनाना चाहते हो वहीं पर कुछ एलगोरिदम्स है लाइक डिसीजन ट्री या फिर रैंडम फॉरेस्ट उनको उतना फर्क नहीं पड़ता कि आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है कि नहीं है ठीक है बट इफ यू आर वर्किंग काइंड ऑफ विदम्स तो यहां पे फर्क पड़ता है कि आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं तो अगर आपके पास जो डेटा है उसमें थोड़ा अलग टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको यह करना पड़ेगा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में लाना पड़ेगा राइट और वो काम कौन करते हैं वो काम करते हैं ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन सो so, एक बार मैं समराइज कर देता हूं कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स नॉर्मल डेटा पे अच्छा परफॉर्म करते हैं बेटर परफॉर्म करते हैं सो so अगर आप उन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के साथ काम कर रहे हो तो आपको अपने डेटा को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना होगा और वो आप कैसे करोगे वो करोगे आप इन ट्रांसफॉर्मेशन से ये जो मैंने आपको चार पांच ट्रांसफॉर्मेशन बताई इसके अलावा भी और भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं इनफैक्ट आप चाहो तो अपना खुद का कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो आप

फंक्शन इस वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है फंक्शन ट्रांसफॉर्मर फंक्शन ट्रांसफॉर्मर क्या है सो so, हमारी जो मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है साइकेट लर्न उसमें अगर आप नोटिस करोगे थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि तीन अलग मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मर्स दिए हुए हैं जिनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला है फंक्शन ट्रांसफॉर्मर जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है फिर एक और है पावर ट्रांसफॉर्मर ठीक है और एक थर्ड जो मैंने कभी पढ़ा था बहुत पहले वो था क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर अब मैं ये क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर इस सीरीज में कवर नहीं कर रहा बिकॉज मेरे को बहुत ज्यादा कभी यूज नहीं हुआ मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा फंक्शन ट्रांसफॉर्मर और अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा पावर ट्रांसफॉर्मर ठीक है फंक्शन ट्रांसफॉर्मर यूज करके आप लॉग ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आप रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इनफैक्ट आप खुद का कोई कस्टम फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो आपके ऊपर पावर ट्रांसफॉर्म यूज करके हम लोग दो ट्रांसफॉर्म सीखेंगे एक होगा और एक होगा यू uh, जॉनसन ये दोनों हम लोग कल करेंगे ठीक है तो आज का हमारा पूरा फोकस इज गोइंग टू बी ऑन दिस लर्न फंक्शनैलिटी फंक्शन ट्रांसफॉर्मर जिसको यूज करके हम uh, डेटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ठीक है तो आई होप आपको अभी तक सब कुछ क्लियर है अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे पास एक डेटा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंटली नॉर्मल है कि नहीं कि मुझे जरूरत है उसको नॉर्मल में कन्व्यूट कन्वर्ट करने की ये मुझे कैसे पता चलेगा दो तीन तरीके होते हैं पहला तरीका तो ये है कि आप साइकेट एम सॉरी सीबॉन का डिस्ट प्लॉट वाला विजुलाइजेशन को कॉल कर दो तो ये क्या करेगा ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करके दे देगा इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि कितना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे ये थोड़ा थोड़ा स्क्यूड स्क्यूड है है सा एक तरफ दूसरा तरीका ये होता है कि आप पैंडास का स्क्यू फंक्शन को कॉल कर लो अगर ये जीरो आ रहा है तो सही है नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है तो स्क्यूड है ठीक है थर्ड uh, एक बहुत अच्छा तरीका होता है बॉक्स कॉक आई एम सॉरी सॉरी बहुत सारे टर्म्स हो गए आई एम गेटिंग कंफ्यूज एक और तरीका जो होता है जो सबसे ज्यादा यूज होता है उसको हम बोलते हैं क्यू क्यू प्लॉट क्यू क्यू प्लॉट एक्चुअली सबसे रिलायबल तरीका है पता करने का कि आपके पास जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है ठीक है अब ये क्यू क्यू प्लॉट uh, के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में क्योंकि ये मस्ट चीज है और इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए हमें ऑब्वियसली ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है कि ये कैसे काम करता है बट आज के वीडियो में मैं आपको एक रफ इंट्यूशन देता हूँ कि अगर आपको क्यूकी प्लॉट क्यों क्यू प्लॉट प्लॉट करना है तो आप कैसे करोगे और उसको रीड कैसे करोगे सो दैट एटलीस्ट आज का वीडियो आपको समझ में आ जाए ठीक है सो नेक्स्ट लेट्स फोकस ऑन क्यू क्यू प्लॉट सो यहां पर अगर आप नोटिस करो तो ये जो है ना ये आपका क्यू क्यू प्लॉट है और ये है आपका पीडीएफ ठीक है दिस इज क्यू क्यू प्लॉट एंड दिस इज पीडीएफ ठीक है सो प्लॉट में आपका एक्स एक्सिस पे होता है थियोरिटिकल क्वांटाइल्स और एक्स एक्सिस पे y पे एक्सिस होता है डेटा सैंपल क्वांटाइल्स अभी इस पॉइंट पे टेक्निकलिटीज में नहीं घुस रहे मैं आपको रीड करना सिखाता हूँ कि कैसे आपको पता चलता है कि आपके पास जो डेटा है वो नॉर्मली uh, डिस्ट्रीब्यूटेड uh, है कि नहीं जैसे ये डेटा देखो इसका पीडीएफ बिल्कुल बता रहा है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका जो क्यू क्यू प्लॉट होगा वो ये 45 डिग्रीज वाली लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स आएंगे लाइक दीज आर ऑल द पॉइंट्स वो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आएंगे तो अगर ये आपको कभी भी दिखाई दे रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो डेटा है दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जैसे कि अब यहां पे देखो इस केस में डेटा टू पीड इन द मिडल ठीक है तो इन दैट केस आपका क्यूक्यू प्लॉट थोड़ा सा उस लाइन से हट जाएगा और लाइन भी थोड़ा सा डेविएट कर जाएगा एंगल रिड्यूस हो जाएगा ठीक है अगर हम आगे जाएं तो ये स्क्यूड डेटा दिस इज स्क्यूड डेटा एक तरफ स्क्यूड है तो इन दैट केस आपका ये क्यू क्यू प्लॉट भी एक तरफ से लाइक like, लाइन छोड़ने लग जाएगा ठीक है ऊपर उठ जाएगा ठीक है एक दो एग्जांपल्स और मैं आपको दिखाता हूं जैसे ये है स्क्यूड लेफ्ट दिस डेटा इज स्क्यूड लेफ्ट इन दिस केस यू कैन सी नीचे से आपका uh, वो डेटा मतलब जो पॉइंट थे वो उस लाइन को छोड़ रहे हैं ठीक है अगर आप राइट स्क्यूड डेटा का बात करो विच इज दिस वन यहाँ पर आप देखो ऊपर से आप उस लाइन को छोड़ के जा रहे हो ठीक है और अगर थोड़ा सा एग्जांपल्स देखें अगर आपके पास फैट टेल डेटा है तो दोनों साइड से आप लाइन छोड़ोगे ठीक है और अगर आपके पास थिन टेल्स है तो ये बहुत क्लोज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के

यहां तक आई गेस आपको सब कुछ समझ में आ गया अब जल्दी से डिस्कस करते हैं हम आज के वीडियो में जो ट्रांसफॉर्म कवर करने वाले हैं एंड दैट इज लॉग ट्रांसफॉर्म लॉग ट्रांसफॉर्म का फंडा बहुत सिंपल है अगर आपको कभी भी लॉग ट्रांसफॉर्म लगाना है किसी भी डेटा पे मान लो आपके पास टाइटेनिक का एज वाला डेटा है जहां पे आपके पास अलग अलग एज दिया हुआ है सारे पैसेंजर्स का आपको इसके ऊपर अगर लॉग ट्रांसफॉर्म लगाना है तो आप बेसिकली क्या करते हो हर वैल्यू का लॉग ले लेते हो दैट्स इट बेस टू ले लो या टेन ले लो इट डिपेंड्स आपके ऊपर आप बस इसका लॉग ले लेते हो और लॉग लेने से क्या होता है कि ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है नॉट कम्प्लीटली वैसा तो जनरली नहीं होता है बट जैसा अभी है जो करेंट स्टेट है उससे ज्यादा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ठीक है अब जनरली कब यूज करना चाहिए आपको लॉग ट्रांसफॉर्म वो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नेगेटिव वैल्यूज पे नहीं लगेगा क्योंकि आप नेगेटिव वैल्यूज का लॉग नहीं ले सकते सेकेंड अगर आपके पास एक राइट right डेटा like इस तरह के डेटा पे जब आप लॉग ट्रांसफॉर्म लगाते हो तो वो उसको सेंटर में लेके आ जाता है मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले इंटरव्यू में कि लॉक ट्रांसफॉर्म किस तरह के डेटा पे लगाना चाहिए तो आप बोलोगे राइट स्क्यूड डेटा के ऊपर ठीक है और लॉग ट्रांसफॉर्म मतलब आपको समझ में आ रहा होगा लॉग करने से क्या फायदा होता है कि आपकी जो बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जैसे मान लो यहाँ पे आपका वन है यहां पे आपका टेन है यहाँ पे कहीं पे आपका हंड्रेड है और यहाँ पे कहीं पे आपका थाउजेंड है मान लो ऑब्वियसली ये प्रॉपरली मैंने स्केल नहीं बनाया और ये लीनियर स्केल है भाई देवे लीनियर स्केल है थोड़ा और बढ़िया बनाना चाहिए था मुझे बट आप जब इसका लॉग लेते हो तो होगा क्या कि हंड्रेड और टेन थाउजेंड ये सब इक्विवेलेंट स्केल पे आ जाएगा राइट right? तो अगर आपके पास कोई डेटा जो कि बहुत बहुत बड़ा बड़ा है है बाकी लोगों से बहुत बड़ा है, उसको उठा करके आप बराबर के स्केल पे प्लॉट कर दोगे तो दैट इज वाई ये नॉर्मल वैल्यू आने लग जाती है और जैसे ये नॉर्मल वैल्यू आने लग जाती है और ये सब कुछ लीनियर दिखने लग जाता है तो जो आपके लीनियर मॉडल्स हैं जैसे कि लीनियर रिग्रेशन

ये भी पास आ जाती हैं और लीनियरली लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देती हैं तो इस तरह के केस में आपका जो लीनियर मॉडल्स होते हैं उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाता है दैट इज वाई यू यूज लॉग ट्रांसफॉर्म ठीक है ओके अब मैं तीन और ट्रांसफॉर्म्स इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ वन ऑफ देम इज द रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्म द सेकेंड वन इज द स्क् ट्रांसफॉर्म थर्ड वन इज square रूट ट्रांसफॉर्म ठीक है मतलब वन बाय एक्स एक्स x, x, x. ठीक है ये तीन ट्रांसफॉर्म आपके साथ डिस्कस करता हूं सो वन बाय एक्स में क्या होता है आपको समझ में आ रहा है आपकी सारी बड़ी वैल्यूज छोटी वैल्यूज हो जाएंगी और छोटी वैल्यूज बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी तो बहुत अलग टाइप का ट्रांसफॉर्म है uh, कभी कभी काम आ जाता है Uh, कभी कभी सर्टेन वैल्यूज को अगर आपको लाइक like एक तरह के डेटा में uh, अगर आप अप्लाई करो तो आपको आपको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा मिल सकता है ठीक है सेकेंड जो है वो है एक्स तो ये स्पेशली यूज किया जाता है लेफ्ट स्क्यूड डेटा के लिए ये आपको याद रखना है लेफ्ट स्क्यूड डेटा के लिए और स्क्वेर रूट टू बी ऑनेस्ट मुझे पर्सनली कभी बहुत ज्यादा यूजफुल अभी तक नहीं लगा जिस तरह के डेटा पे मैंने काम किया बट आप इसको भी ट्राई कर सकते हो सी एंड गोल ये होता है कि आप सारा कुछ चला के देखते हो आपको लाइक पहले से उतना अंदाजा नहीं लगता है हाँ ये आपको पता है कि आपके पास अगर राइट स्क्यूड डेटा है तो आप लॉग वाला लगाओगे लेफ्ट स्क्यूड है तो आप स्क्वायर वाला लगाओगे बट आपको सारे चला के देख लेने चाहिए बिकॉज एट द एंड एक लाइन का कोड है जिससे भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है वही आपको यूज करना होता है ठीक है तो आज के वीडियो में आई एल शो यू फोर डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्स यूजिंग फंक्शन ट्रांसफॉर्मर क्लास ठीक है दैट इज दुडेड सो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है इस वीडियो के लिए अगेन uh, मैं टाइटे फेयर और एक होगा सरवाइव राइट सरवाइव मतलब वो बचा या नहीं बचा बाकी कॉलम्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि इनिशियली जब आप विदाउट कोई ट्रांसफॉर्म लगाए अ uh, अप्लाई करोगे तो एक्यूरेसी मतलब उतना अच्छा नहीं आएगा और जब आप ट्रांसफॉर्म लगा के करोगे तो थोड़ा अच्छा एक्यूरेसी आएगा ठीक so, so, uh, uh, है सो लेट्स डाइव इनटू द एग्जांपल सो गाइस दिस इज द कोड मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा है आई जस्ट गो थ्रू द कोड और आपको लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन करता हूं सो दीस आर ऑल द लाइब्रेरीज दैट आई नीडेड सो नम और पैंड है साइपाइन स्टार्ट बोल के एक नई लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं इसी को हम यूज करेंगे क्यू क्यू प्लॉट को प्लॉट करने के लिए ठीक है उसके बाद पी एल टी एज इन मैट्रॉट लेब और सीबॉन है इसको हम यूज करते रहते हैं ट्रेंटर स्प्लिट है एक्यूरेसी स्कोर है और मॉडल सिलेक्शन से क्रॉस वैल स्कोर है क्रॉस वैलिडेशन करने के लिए और मैंने लीनियर मॉडल से लॉजिस्टिक रिग्रेशन और डिसीजन ट्री दो अलग अलग एल्गोरिदम्स को साथ में मैं आपको चला के दिखाऊंगा और लास्टली मेरे पास फंक्शन ट्रांसफॉर्मर क्लास है और कॉलम ट्रांसफार्मर क्लास है जो हम यूज करेंगे ठीक है तो ये रहा पहला सेल नाउ सबसे पहले मैं वही ट्रेन डॉट सी एस वी हूँ और आप पहले नोटिस कर सकते हो कि मैं सिर्फ तीन कॉलम्स यूज कर रहा हूं ठीक है सो अगर मैं इसको रन करता हूं तो इस पॉइंट पे अगर मैं डीएफ को रन करूं डीएफ डॉट हेड इज बेसिकली ये ठीक है अब अगर आप टाइटेनिक डेटा पे पहले काम कर चुके होगे तो आपको पता होगा कि एज वाले कॉलम में कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं और हम जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं सो so, अगर मैं रन करूँ इसम में वन मिसिंग वैल्यूज है अभी कुछ खास नहीं किया मैंने फिल एन को कॉल किया पैंडास के और जितनी भी मिसिंग वैल्यूज थी उनको एज के मीन से रिप्लेस कर दिया ठीक है और ये करने के बाद अब अगर मैं वापस रन करूँगी ऊपर वाला कोड तो मेरे पास अब कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है तो मेरा वो जो एक प्रॉब्लम था वो मैंने सॉल्व कर लिया अब सबसे पहले मैंने क्या किया एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट कर लिया एक्स क्या बनेगा एक्स बनेगा एज एंड फेयर इसलिए मैंने वन से थ्री लिखा और सरवाइव जो है वो मेरा आउटपुट कॉलम बनेगा तो ये हो गया एक्स वाई एक्सट्रैक्ट हर फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक की तरह यहां पर भी हम पहले ट्रेन टेस्ट करेंगे जो कि मैंने यहां मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके पास जो दो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं एज और फेयर वो दोनों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं ठीक है और मैंने आपको बताया था दो तीन तरीके उनमें से दो तरीके हम यूज करेंगे एक पीडीएफ प्लॉट करेंगे दूसरा क्यू क्यू प्लॉट प्लॉट करेंगे तो पहले मैंने एक्स ट्रेन से एज को पकड़ा ठीक है और एज का डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने ये रहा ठीक है एज uh, का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा क्यों आ रहा है पर ओके ऊपर आई एम सॉरी आई गॉट कंफ्यूज दिस इज एज का डिस्ट्रीब्यूशन सो यू कैन सी ठीक ठाक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉट कंप्लीटली और ये सेम चीज रिफ्लेक्ट हो रही है क्यू क्यू प्लॉट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लाइन के आसपास हो और फिर एक दो जगह पे आप डिविएट कर रहे हो राइट तो आई uh, वु कि बहुत बढ़िया परफेक्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बट इट्स क्लोज टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अब जल्दी से देखते हैं फेयर वाले कॉलम को सो so, फेयर वाले कॉलम को जब मैं रन कर रहा हूं तो मैंने क्या रियलाइज किया कि ये तो बिल्कुल भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इनफैक्ट ये राइट right स्क्यूड है और ये है एक्चुअली ऐसा है अगर आपने वाले डेटा सेट पे काम किया होगा तो आपको पता होगा कि कुछ पैसेंजर्स ने बहुत क्रेजी ज्यादा पैसे खर्चा किए थे टिकट परचेस करने में और बहुत सारे लोगों ने बहुत कम पैसे किए थे तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और यू कैन सी दैट इन द क्यू प्लॉट एज वेल ठीक है दिस इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज क्लोज है फेयर बिल्कुल भी नहीं है ठीक है और सिंस ये राइट right डिस्ट्रीब्यूटेड है आई एम सॉरी राइट स्क्यूड है तो आपको पता है आपको कौन सा ट्रांसफॉर्म यूज करना है यू कैन गो फॉर द लॉग ट्रांसफॉर्म ठीक है दो ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ और मैं सिंपली क्या कर रहा हूं मैं फिट कर रहा हूँ एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे प्रेड निकाल रहा हूँ और एक्यूरेसी कैलकुलेट कर रहा हूँ फॉर बोथ द एल्गोरिदम्स और ये करने से मुझे आ रहा है सिक्सटी फोर परसेंट का एक्यूरेसी

या फिर आप कोई इन फंक्शन दे सकते हो जैसे कि मैंने यहां पे दिया एन पी डॉट लॉग वन पी एन पी डॉट लॉग और एनपी डॉट लॉग वन पी में क्या डिफरेंस है मैं आपको जल्दी से बताता हूँ सो लॉग जो होता है एन पी डॉट लॉग वो सिंपली लॉग अप्लाई करता है ठीक है बट अगर आपके पास जीरो है तो गड़बड़ हो जाएगा वहीं पर एन पी डॉट लॉग वन पी क्या करता है आपके वैल्यू में एक्स में पहले वन एड करता है तो कभी भी कोई भी चीज जीरो नहीं होगी ठीक है तो दिस इज द बेनिफिट इसीलिए जनरली लोग एन पी डॉट लॉग वन पी करते हैं बट अगर आपके डेटा में कुछ भी जीरो नहीं है तो आप लॉग भी यूज कर सकते हो एनी लॉग पी यूज किया और और ये मेरा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है है और ध्यान रखना अभी मैं दोनों कॉलम्स के ऊपर लगा रहा हूं एज के ऊपर भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं और मैं इसके ऊपर फेयर के ऊपर भी कर रहा हूं ठीक है और ऐसा करने के बाद मैंने क्या किया मैंने एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया जो कि कैसे निकल के आया trf dot fit transform x train pass करके और मैंने test के ऊपर भी transform लगा दिया like this ठीक है तो so, मेरे पास x train transformed आ गया जिसके ऊपर अब मैं train करूँगा और x test transformed आ गया जिसके ऊपर मैं prediction करूँगा तो so, मैंने फिर से logistic regression और decision tree दोनों का object बनाया दोनों को train किया but इस बार मैंने train किस पे किया x train transform पे ये जो मैंने यहाँ पे create किया था और y train के ऊपर y वाइप्रेट कैलकुलेट करने के लिए आई एम सॉरी यहाँ पर इट शुड बी एक्स टेस्ट

परफेक्टली वैलिडेटेड रिजल्ट्स नहीं मिलते जितना आप क्रॉस वैलिडेशन करके करते हो तो वो मिलते हैं ठीक है so, सो मैंने क्या किया मैंने पूरे के पूरे एक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया इस नए वेरिएबल में एक्स ट्रांसफॉर्म में फिर से सी एल एफ और बनाए और इस बार मैंने क्रॉस वैल स्कोर किया क्रॉस वैल स्कोर अभी आपने नहीं पढ़ा है बट सिंपली मैं दस बार ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहा हूं हर बार एक्यूरेसी निकाल रहा हूँ और मीन कैलकुलेट कर रहा हूँ तो एक बार से ज्यादा रिलायबल रिजल्ट होंगे मेरे पास ठीक है और ये काम करते ही मुझे मिला ये रिजल्ट You can see कि, uh, tree 65 के है, uh, और जो 67 आ रहा है तो आई कैन से है बॉस ठीक है अब एक काम करते हैं लेट्स सी कि सच में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं सो so मैं क्या कर रहा हूं मैं बिफोर लॉक ट्रांसफॉर्मेशन का क्यूक्यू प्लॉट दिखाऊंगा आपको और एज आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का क्यू क्यू प्लॉट दिखाऊंगा सो so मैंने वही किया एक्स ट्रेन का ये बाई दे पहले मैं फेयर का दिखा रहा हूं आपको एक्स ट्रेन का फेयर दैट इज यहां पे मैं लिख देता हूं फेयर बिफोर लॉग और फेयर आफ्टर लॉग का दिखा रहा हूं और जब मैंने इसको प्लॉट किया तो यू कैन सी गाइज कि फेयर वाला जो कि बहुत ज्यादा दूर था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ऐसा दिख रहा था वो काफी क्लोज आ चुका है ठीक है एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आपका इंप्रूवमेंट हुआ पूरे के पूरे एक्यूरेसी में ठीक है एक बार देखते हैं एज में क्या सीन है तो एज में भी मैंने सेम लॉजिक लगाया बिफोर एंड आफ्टर वाला और इसको जब रन किया तो मैंने एक चीज रियलाइज की कि पहले ज्यादा अच्छा था बाद में थोड़ा खराब हो गया ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका रिजल्ट पहले से खराब हो जाए जैसा कि इस केस में हो रहा है क्योंकि ये एनी वेज राइट क्यूड नहीं था ये डेटा हमने जबरदस्ती इसके ऊपर लॉक ट्रांसफॉर्म लगा दिया तो फिर मैंने क्या किया मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं रादर देन अप्लाइंग लॉक ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ ऑफ द कॉलम्स एज और फेयर सिर्फ फेयर के ऊपर लगाते हैं एज को छोड़ देते हैं तो फिर मैंने क्या किया मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मर बनाया मैं फिर से पूरी चीज को दोबारा कर रहा हूं मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मर बनाया उसमें मैंने बस फंक्शन ट्रांसफॉर्मर को पास किया ये रहा मेरा फंक्शन और जो कॉलम है वो सिर्फ फेयर है

थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होना चाहिए था बट आई एम नॉट श्योर अभी क्यों नहीं हुआ बट या सही डिसीजन यही था कि हम एज uh, को नहीं करके फेयर को करते क्योंकि एक्यूरेसी तो बराबर ही आ रहा है तो एक एक्स्ट्रा को ट्रांसफॉर्म करने में आपका कंप्यूटेशन लॉजिक जाएगा पावर uh, जाएगा सो इट्स ओके एक कम को ट्रांसफॉर्म करके भी सेम हमारा एक्यूरेसी आ रहा है ठीक है और फिर से जस्ट टू गेट श्योर हमने क्रॉस वेल स्कोर लगा दिया इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन पे और क्रॉस वेल स्कोर अभी भी वैसा ही रिजल्ट दे रहा है मुझे लॉजिस्टिक रेग्रेशन सिक्सटी सेवन परसेंट डिस में आया हमें कि यहां पे जो डेटा था उसमें लॉक right तो ट्रांसफॉर्म लगा के फिर से लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया तो हमारा रिजल्ट इंप्रूव कर गया सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है हम साथ ही साथ एक और एलगोरिदम को लेकर चल रहे थे और डिसीजन ट्री के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा

तो मैंने एक फंक्शन लिख दिया है अप्लाई ट्रांसफॉर्म जिसमें मैं फंक्शन पास करूंगा और अंदर सेम लॉजिक पूरा है ये आपको दो चीजें बना के देगा पहला आपका एक्यूरेसी कैलकुलेट करके देगा दूसरा आपको ये बताएगा कि आपका क्यू क्यू प्लॉट पहले और बाद में कैसा था ठीक है सो लेट्स ट्राई दिस तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं अप्लाई ट्रांसफॉर्म में भेजता हूं एक्स इज टू एक्स मतलब कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा रहे तो एक्यूरेसी वही सिक्सटी फाइव आ रहा है और क्यू क्यू प्लॉट बेसिकली मैं फेयर का दिखा रहा हूं दोनों सेम है क्योंकि हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं किया एक्स भेज रहे हैं पलट के एक्स आ रहा है तो ये जो पहले वाला सीन था वही है अब मैं आपको दिखाता हूं स्क्वायर वाला ठीक है सो so, रिटर्न करेगा एक्स स्क्वायर ठीक है और इसको रन किया तो 64 हो गया इनफैक्ट थोड़ा घट गया uh, uh, मतलब uh, खराब है थीके? और ऐसा वैलिड भी है क्योंकि आपने इसको राइट क्यू डेटा पे लगाया अगर ये लेफ्ट क्यूब डेटा होता ना तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता ठीक है सिमिलरली आप क्यूब भी लगा सकते हो इफ यू वॉन्ट सो क्यूब लगाने से बहुत ही ज्यादा घट गया uh, so ये पावर लाइक पोलिनोम लगाने से फायदा नहीं हो रहा मैं आपको स्क्वायर रूट लगा के दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा uh, इनफैक्ट बढ़िया नहीं आ रहा है इनफैक्ट ये वही है जो इनिशियली था तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा स्क्वायर रूट लगाने से इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ रेसिप्रोकल सो रेसिप्रोकल इज वन बाय एक्स और इसको लगाने से ओके okay, कुछ एरर आया और लेट्स uh, रीड की एरर क्या है ओके uh, okay. एक रीजन ये हो सकता है कि हमारे डेटा में कहीं पे शायद जीरो हो मे बी तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्स प्लस पॉइंट जीरो 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 वन कर दे रहा हूँ सो दैट कभी भी डिनोमिनेटर जीरो ना हो ठीक है ऐसा हो सकता है तो अगर हम इसको रन करें अभी भी हो रहा है ये सेम hmm, एरर है वॉइंट वन करूर इज सम काम करते हैं इसको ब्रैकेट में रखते हैं सहीज हैंडल नहीं कर रहा था चीजों को बट या कोई फायदा नहीं है ज्यादा फायदा नहीं है इनफैक्ट अगर मैं उसको थोड़ा सा और छोटा कर दू सो दैट फर्क ना पड़े बहुत ज्यादा तो या अगेन नॉट वर्किंग That so, इस तरह के डेटा पे हमारा ट्रांसफॉर्म ही बेस्ट परफॉर्म कर रहा है बट एज आई टोल्ड यू आपको एट द एंड अगर सिर्फ एक पैरामीटर चेंज करना है एक फंक्शन का वैल्यू चेंज करना है तो यार आप अपना कुछ भी भेज दो राइट right? मतलब ट्राई करके देख लो आप यहाँ पे कुछ भी भेज सकते हो एक्चुअली आप यहाँ पे एनपी डॉट साइन भेज सकते हो एनपी डॉट साइन करने पे घट गया आपका बट यू कैन सी ये रहा आपका फेयर का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा साइन कर जैसा हो गया ठीक है तो आप कोई भी फंक्शन भेज सकते हो कस्टम अपना लॉजिक भी भेज सकते हो बट यू शुड ट्राई जो भी आपके मेन वाले हैं उनको आप ट्राई कर सकते हो आपको बस कुछ नहीं करना आपको फंक्शन ट्रांसफॉर्मर को uh, एक अलग फंक्शन इनपुट में देना है और वो बाकी का बाकी पूरा जो फ्लो है आप ट्राई कर सकते हो सो वॉट यू शुड डू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इज कोई और डेटा सेट पकड़ो और उसके ऊपर

और इसमें हम दो अलग अलग ट्रांसफॉर्म्स पढ़ेंगे एक का नाम है बॉक्सकॉक्स और एक का नाम है यू जॉनसन ओके देर इज वन मोर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था इसको हम बोलते हैं क्वांटाइल ट्रांसफॉर्मर बट ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है सो टूडेज एंटायर फोकस वुड बी on this part, okay, so So uh, let's start a discussion around Box-Cox Box-Cox. Box Cox transform. So, Box -Cox. It's actually two uh, computer Probably surname. In fact, uh, liye इसीलिए किया था क्योंकि कि उनका नाम बहुत मस्त है uh, मिल करके और अच्छा साउंड कर रहा था एंड इवेंचुअली दे गेव दिस ट्रांसफॉर्म इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म Uh, और ये ट्रांसफॉर्म को यूज करके अगेन क्या होता है आपको पता है आप किसी भी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आपके पास कोई डेटा है और उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन है आप उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्म इनफैक्ट ये जो ट्रांसफॉर्म है ये जनरल ट्रांसफॉर्म है इनफैक्ट इसका ही स्पेशल केस लॉग ट्रांसफॉर्म है और स्क्वायर और स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्म है ठीक है सो यहां पे होता क्या है कि दिस इज द फॉर्मूला लाइक like, ये आपका इनपुट वेरिएबल है कोई भी कॉलम और उसके ऊपर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो डिपेंडिंग ऑन आपके लैमडा का वैल्यू क्या है ठीक है और लैमडा बेसिकली क्या है लैमडा इज द पावर सो आप एक्चुअली क्या करते हो यहाँ पे आप ये पावर कैलकुलेट करने का ट्राई करते हो कि एक्स का पावर कितना सही रहेगा एक्स स्क्वायर सही रहेगा एक्स क्यूब सही रहेगा एक्स वन पॉइंट फाइव सही रहेगा कितना पावर सही रहेगा यही आपको यहाँ पे निकालना होता है ठीक है so सो अगर आप यहाँ पे पढ़ो तो लिखा हुआ है

Uh, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्म स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ओनली आर ग्रेटर देन जीरो जीरो भी नहीं चलेगा और नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा तो ये दो रेस्ट्रिक्शन है बॉक्स कॉक्स की और इन्हीं दो रेस्ट्रिक्शन को कौन सॉल्व करता है यूओ ट्रांसफॉर्म यू जॉनसन ट्रांसफॉर्म और ये जो ट्रांसफॉर्म है अगेन uh, दो कंप्यूटर साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर निकाला और ये एक चीज uh, kind of, uh, से आता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज समस्टमेंट टू दॉक्सॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन बाई विच वी कैन अप्लाई इट टू नेंबर्स इट तो फंडा बहुत सिंपल है आपको क्या करना है आपको पावर ट्रांसफॉर्मर क्लास यूज करना है साइकिट लर्न का जिसके अंदर आपको ये दोनों इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएंगे और आपको जहां भी लगे कि मेरे पास एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो नॉर्मल नहीं है और आप एक ऐसा एल्गोरिदम यूज कर रहे हो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के ऊपर बढ़िया काम करता है जैसे कि लीनियर रेग्रेशन लॉजिस्टिक रेग्रेशन के एन ये सारे जो एलगोरिदम्स हैं तो फिर आपको क्या करना है आपको ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देख लेना है क्योंकि एट द एंड आपको बस पैरामीटर ट्यूनिंग करना है और उससे आपको पता चल जाएगा कि वेदर यू शुड अपलाई बॉक्सकॉक्स और यू शुड गो विध यू जॉनसन ठीक है तो अब मैं क्या कर रहा हूं मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ एक कंक्रीट मटेरियल का डेटा सेट मैंने उठाया कैगल से और उसी डेटा सेट के ऊपर मैं आपको फिर से आ, आ, दिस इज बेसिकली अ रिग्रेशन प्रॉब्लम मैं कंक्रीट का स्ट्रेंथ प्रेडिक्ट करूंगा और आई यूज लीनियर रिग्रेशन एज माई मॉडल और मैं आपको दिखाऊंगा कि विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ रहे जितना आप जब बॉक्स लगाओगे और यो जॉनसन लगाओगे तो आएंगे ठीक है और साथ ही साथ मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी निकाल के दिखाऊंगा सो लेट स्टार्ट ये रहा वो नोटबुक uh, सबसे पहले मैंने सारे इंपोर्ट ले लिए uh, ये सब तो बहुत सीधे साधे इम्पोर्ट हैं आपको ऑलरेडी पता है और ये वाला इम्पोर्ट मैंने लिया है फॉर प्लॉटिंग क्यू क्यू प्लॉट जिससे हमें समझ में आता है कि कोई पर्टिकुलर कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना नॉर्मल है ठीक है so, तो मैंने इनको रन कर लिया इसके अलावा मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्रॉस वाल स्कोर इम्पोर्ट कर लिया है लीनियर रिग्रेशन आ टू स्कोर और ये रहा मेरा पावर ट्रांसफार्मर प्री प्रोसेसिंग के अंदर मिलेगा आपको इतनी चीजों को आपको इम्पोर्ट करना है उसके बाद मैंने ये डेटा सेट उठाया और इसको डाउनलोड कर लिया या इंपोर्ट कर लिया और ये मेरा डेटा सेट है ये थोड़ा अलग टाइप का डेटा सेट है uh, मैंने ये डेटा सेट इसलिए उठाया क्योंकि इसमें कुछ कॉलम्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो मैं आपको क्लियरली दिखा पाऊंगा कि यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने की तो यू कैन सी ये बेसिकली कंक्रीट से रिलेटेड डेटा सेट है ये आपके इनपुट कॉलम्स हैं सीमेंट ब्लास्ट फर्नेस स्लैग

एंड नाइन कॉलम्स ठीक है और उसके बाद मैंने ये चेक किया कि क्या मिसिंग वैल्यूज है कि नहीं क्योंकि मिसिंग वैल्यूज होने पर ट्रांसफॉर्म करने में प्रॉब्लम होता है फॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है बहुत ही बढ़िया डेटा सेट है और एक चीज मैंने और फिगर आउट करने का ट्राई किया कि कहीं वैल्यूज नेगेटिव और जीरो तो नहीं है क्योंकि अगर नेगेटिव और जीरो होगा तो बॉक्स बॉक्स नहीं लगेगा और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ कॉलम्स है जैसे कि ब्लास्ट फर्ने स्नैग में जीरो है मिनिमम वैल्यू फ्लाई एश सुपर प्लास्टिसाइजर एंड सेट नेगेटिव वैल्यू कहीं भी नहीं है बट मिनिमम वैल्यू जीरो है तो ये प्रॉब्लम कर रहा था मैंने इसका एक जुगाड़ निकाला है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सो so, अभी मैंने सबसे पहले एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट किया ये तो सिंपल है मैंने उसके बाद ट्रेन पर स्प्लिट मारा अगेन सिंपल है और अब मैंने क्या किया मैंने अभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाए बिना लीनियर रिग्रेशन का एक मॉडल क्रिएट करके इस डेटा पे ट्रेन कर दिया

सारे के सारे कॉलम्स जो हैं मेरे इनपुट में स्ट्रेंथ वाला कॉलम को छोड़ करके बाकी सारे कॉलम्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मैं उसका भी दिखाऊंगा और मैं उसका प्लॉट भी दिखाऊंगा और आपको दिखाई देगा कि काफी गड़बड़ है यहाँ पे सो यू कैन सी ये थोड़ा प्लॉट होने में टाइम लग रहा है सो यू कैन सी सीमेंट वाला फिर भी ठीक ठाक है uh, और आपका क्यू क्यू प्लॉट से भी आपको ये समझ में आ रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप उस फोर्टी फाइव डिग्री वाली लाइन के ऊपर ही हो ब्लास्ट फर्नेस स्नैग आपका राइट स्क्यूड है फ्लाई एश बाई मॉडल है और वाटर ठीक ठाक है सुपर प्लास्टिसाइजर राइट स्क्यूड बाई मॉडल कोर्स एग्रीगेट ये सबसे सही लग रहा है अभी तक फाइन एग्रीगेट भी ठीक लग रहा है सबसे खराब हालत है एज का सो so अपेरेंटली बहुत सारे कंक्रीट मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका एज कम है और फिर कुछ कंक्रीट मटेरियल है कम जिनका एज बहुत ज्यादा है और वो आपको दिखाई दे रहा है क्यू क्यू प्लॉट में भी तो हालत ठीक नहीं है एज की और एक दो कॉलम्स की एंड दिस जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो उतना बढ़िया नहीं आ रहा है एक चीज और मैंने यहाँ पे स्केलिंग नहीं किया है कायदे से आपको स्केलिंग करना चाहिए था बट अभी मैं ज़बरदस्ती क्योंकि मैं दोनों बार स्केल करूंगा विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन भी विद ट्रांसफॉर्मेशन भी तो स्केलिंग का इम्पैक्ट दोनों में बराबर पड़ेगा तो मैंने अभी नहीं किया है आप चाहो तो करके देख सकते हो स्केलिंग करने से फॉर श्योर आपका रिजल्ट इंप्रूव करेगा ये तो बात पक्की है ठीक है नाउ अब मैंने क्या किया कि अब मैंने बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्म लगाने का सोचा ठीक है सो बहुत सिंपल है आपको पावर ट्रांसफॉर्मर क्लास को इंपोर्ट करना होता है दिस इज द क्लास दिस इज द पावर ट्रांसफॉर्मर क्लास बहुत सिंपल है यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई अ पावर ट्रांसफॉर्म फीचर वाइज टू मेक डेटा मोर गोशन लाइक गोशन मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है Power transforms are a family of parametric monotonic transformations that are applied to make data more Gaussian like. This is useful for modeling issues related to this uh, term. You will linear regression. Uh, linear regression, mein, it is one of the main assumptions. We will discuss this. Don't worry about this. Or other situations where normality is desired. Theke? Currently, power transformer supports the Box Cox and geo Johnson transform.

अप्लाई मतलब मतलब होगा तो बाई डिफॉल्ट स्टैंडाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है सो एक्चुअली स्केल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा ठीक है इंटरनली स्टैंडर्ड स्केर अप्लाई हो जा रहा है ठीक है सो अब एक काम कर रहा हूं मैं मैंने पावर ट्रांसफॉर्मर बनाया बाय द वे यहाँ पे जो मेथड है वो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्टो जॉनसन है क्योंकि मैंने जितना नोटिस किया है जितने भी डेटा सेट्स के ऊपर वहां पे मोस्टली यो जॉनसन बेटर रिजल्ट देता है इन कंपेरिजन टू बॉक्स कॉक्स और सेकेंड बेनिफिट ये है कि नेगेटिव डेटा को भी कंसिडर करता है तो इसलिए इन लोगों ने डिफॉल्ट यो जॉनसन बना रखा है बट पहले मैंने बॉक्स कॉक्स यूज किया अब बॉक्स कॉक्स में मेरे को प्रॉब्लम क्या था कि मेरे पास जीरो वाला डेटा था तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि मैंने एक्सट्रीम में ये बहुत छोटा सा वैल्यू ऐड कर दिया तो अगर मेरे पास कहीं भी जीरो होगा तो वो जीरो 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 वन हो तो वैल्यू लग लगा दो वही मैंने यहाँ पे किया मैंने अपना एक्स ट्रेन को ट्रांसफॉर्म किया मैंने अपना एक्स टेस्ट को ट्रांसफॉर्म किया अब एक चीज और होता क्या है कि आपके पास यहाँ पे आठ कॉलम्स है अगर आप नोटिस करो आपके इनपुट में आठ कॉलम्स है आप आठों के आठों कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो राइट मतलब आप अपने हर कॉलम के लिए एक लैमडा वैल्यू कैलकुलेट करते हो ठीक है जो आपने यहां पे देखा ये आप हर इनपुट के लिए हर इनपुट कॉलम के लिए एक लैम्डा कैलकुलेट कर रहे हो बेसिकली हर कॉलम के लिए एक लैमडा निकल रहा है जिसके पावर से आप उसको रेज करके ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो मैंने वही किया कि मैंने जब यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया उसके बाद ये PT मेरा जो ऑब्जेक्ट था उसमें डॉट मार के मैंने लैमडाज अंडर को फेच किया ये मुझे सारे के सारे लैमडाज निकाल के देगा हर कॉलम का और मैंने उसको एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया एंड यू वुड सी कि सीमेंट के लिए इट्स बेसिकली पॉइंट वन सेवन सेवन इसका मतलब अगर सीमेंट में मान लो अगर आपके सीमेंट में इस तरीके से वैल्यू है आई वुड शो यू जैसे सिमेंट में uh, मान लो आपके पास फाइव फोर्टी है तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो फाइव फोर्टी को रेज कर रहे हो बाय द पावर ऑफ जो भी यहाँ पर है mm, point 177, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा सिमिलरली ब्लास्ट फरने स्नैक जो है इसको आप भी नंबर है मान लो थर्टी है तो उसको आप रेज करोगे बाय द पावर ऑफ जीरो पॉइंट जीरो टू ट इज वॉट यू आर डूंग इंटरनली लैमडाज कैलकुलेट होने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा ही अपलाई होता है हर एक्स को ले रहे उसको लैमडा की पावर से रेज कर दे रहे हो सो दैट इज वॉट इजनिंग कर लेना दिमाग में आई होप आपको समझ में आ गया नाउ नाउटफॉर्म्ड एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट है मैंने फिर सेब्जेक्ट बनाया और एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म्ड और वाई ट्रेन को मैंने ट्रेन किया और मैंने प्रिडिक्शन किया वाई ब्रेड टू में डाला और इसको रन किया तो ये मेरा एटी आ गया जैसे ऊपर कितना आ रहा था ऊपर आ रहा था 62 टू ऑल दो क्रॉस वैलिडेशन करने के बाद 46 हो गया बट यहाँ पे 62 के बदले 80 हो गया सो यू कैन सी तुरंत इम्प्रूव कर गया हमारा आ टू स्कोर अब मैं ज्यादा खुश नहीं होना चाहता था इसलिए मैंने फिट ट्रांसफॉर्म आई एम सॉरी क्रॉस वैल स्कोर अप्लाई किया दस बार कर दी पूरी चीज को और वो करने पे मुझे पता चला कि बहुत खुशी की बात नहीं है पॉइंट सिक्स सिक्स हो रहा है और पॉइंट सिक्स सिक्स एक्चुअली अच्छा है क्योंकि हमारा पॉइंट हो रहा था क्रॉस वाल स्कोर विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन और अब ये पॉइंट है तो पॉइंट का आपका इंप्रूवमेंट है दैट इज अ वेरी गुड इंप्रूवमेंट ठीक है सो so, अब एक लास्ट चीज और दिखाता हूँ मैं आपको मैं अब आपको फिर से साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट प्लॉट ठीक है इसको मैंने रन किया और उसके पहले आई विल हैव टू रन दिस ऑल्सो जस्ट वन सेकेंड वहां पर ही मैंने वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया था आई गेस ओहो मैंने डेटा फ्रेम में कहीं पर कन्वर्ट ही नहीं किया आई विल हैव टू डू इट जस्ट वन सेकेंड दिस इज द कोड सो आई जस्ट कॉपी इट ओवर हेयर मैं बस क्या कर रहा हूं? कि मेरा जो है है वो नम पाई आ है। उसको मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ सो so so, ये देखो गाइस ये मैंने ग्राफ्स प्लॉट किए बिफोर एंड आफ्टर के सो लेफ्ट साइड में आपको बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन का ग्राफ है हर कॉलम का राइट right साइड में आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन का तो so, सीमेंट में यू कैन सी देर इज अलाइड ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका थोड़ा सा राइट स्क्यूट था उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर रहा है विच इज गुड यहाँ पे देखो ये काफी राइट स्क्यूट था इसको इसने <laughs> प्रॉपरली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं कर पाया बट बाई मॉडल और दोनों मॉडल्स आपके uh, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सेम गोज विश वॉटर जैसा था वैसा ही दिख रहा है सुपर क्लास्टिस को भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया है कोर्स एग्रीगेट वैसा ही दिख रहा है

और सारा काम रिपीट करने के बाद इस बार जो मेरा आर टू स्कोर आ रहा था वो आ रहा था 81 लास्ट टाइम 80 आ रहा था इस बार 81 तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और दिखा मुझे ठीक है और यहां पे भी मेरे पास ये सारे लैम्डाज तो अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कॉलम्स के जो लैमडाज हैं वो बॉक्स बॉक्स से बहुत सिमिलर है बट कुछ में थोड़े से चेंजेस हैं जो अलग कर रहा है हमारा यो जॉनसन ठीक है और फिर से कॉन्फिडेंट ना होने के बदले क्रॉस uh, वेल स्कोर लगा के आप एक्चुअल रिजल्ट्स देख सकते हो

और मोस्टली आपको रिजल्ट में कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखाई देगा uh, बहुत सिमिलर रहेगा आपका बॉक्स कॉक्स से जो भी डिफरेंसेस हैं वो बहुत माइन्यूट हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज बहुत ज़्यादा नहीं है नेगेटिव वैल्यूज़ होते तो वैसे तो लग ही नहीं पाता बॉक्स कॉक्स ठीक है और लास्टली मैंने क्या किया एक डेटा फ्रेम बना दिया जहाँ पे मैंने दोनों के लैंडास को कंपेयर कर लिया सो यू कैन सी बॉक्स कॉक्स में पता नहीं ये थोड़ा पुराना है इसको मैं दोबारा रन कर देता हूँ uh, पता नहीं कुछ स्लाइट चेंजेस आए वैल्यू में बट जो भी है पॉइंट वन बॉक्सकॉक सीमेंट है पॉइंट वन है ज्यादा डिफरेंस जो देखने को मिल रहा है वो फ्लाई एश में देखने को मिल रहा है uh, थोड़ा डिफरेंस वाटर में देखने को मिल रहा है सुपर प्लास्टिसाइजर ठीक ठाक है दिस इज स्लाइटली डिफरेंट एंड एज में काफी डिफरेंस like का है लाइक टेन के फैक्टर का डिफरेंस है ऑलमोस्ट ठीक है सो दैट इज हाउ दिस थिंग वर्क मतलब आपको बस ये करना है गाइस कि आपको ये पावर ट्रांसफॉर्मर क्लास को बुलाना है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ एक बार समराइज कर देता हूँ अगर आप लीनियर रिग्रेशन या आ, उस तरह के एलगोरिदम्स यूज कर रहे हो जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के ऊपर रिलाई करते हैं तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपके पास जो कॉलम्स हैं क्या वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं है मोस्टली आपको नहीं मिलेगा अगर आप रियल वर्ल्ड डेटा के ऊपर काम कर रहे हो

Uh, our mathematical transformation-wala part is complete.